सेशन हमने क्यों वेबिनार ये हमने कंडक्ट करा है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस समय पूरा विश्व जो है कोविड पैंडेमिक की समस्या से संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। हमारा भारत देश भी इस समय काफी परेशान है। अगर हम देखा जाए तो करीब अभी तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो इस कोरोना की बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिसकी वजह से करीब 2,70,000 से ज्यादा लोगों की जाने भी जा चुकी है। तो हम हर तरफ जहां देखते हैं चारों तरफ नेगेटिविटी है, लोगों की जाने जा रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, अस्पताल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं। इस निराशा की घड़ी में, इस होपलेसनेस की घड़ी में कई सामाजिक संस्थाएं, कई लोग आगे आए हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों को भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, लोगों का फिजिकल केयर रखा जा रहा है। दोस्तों, समझने की बात है कि 2.5 करोड़ लोग इससे संक्रमित हैं और इनकी मदद करने के लिए जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स काम कर रहे हैं सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। बट इसके अलावा हमें समझने की जरूरत है कि 2.5 करोड़ लोग संक्रमित है, बट कोरोना की वजह से पूरा देश, 140 करोड़ की आबादी वाला जो हमारा देश है, सब डरे हुए हैं, फियर में, एंजाइटी में है, टेंशन में। तो हमारी शिक्षार्थकम की टीम का एक प्रयास था कि लोगों को इमोशनल केयर, एक मेंटल केयर प्रोवाइड कराया जाए, लोगों को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, एक स्पिरिचुअल विजन शेयर किया जाए, जिसकी वजह से वो अपने आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी लॉसेस हैं, सबको देखने का एक बेटर पर्सपेक्टिव डेवलप कर पाए। जिसके लिए आज हमने इस हमने अपने ऑनलाइन वेबिनार, इसका टॉपिक है ओवरकमिंग फियर थ्रू नॉलेज। अगर फियर को ओवरकम करना है, इसके लिए हमें नॉलेज की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की आवश्यकता है, जो हम आज अपने इस वेबिनार के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करने का हम प्रयास करने वाले हैं। आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग हमारे इस आज के प्रोग्राम में आप आए हैं। हमारे बीच में हमारे सहयोगी, हमारे साथी जो हैं दीपांशु बजाज जी भी हैं, उन्होंने आप सभी लोग के लिए कुछ कोर्सेज बनाए हैं। बिकॉज ऐसा नहीं कि आज इस इवेंट के बाद, इस वेबिनार के बाद आपका और हमारा संबंध ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, आगे हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में दीपांशु बजाज जी आपको कुछ बताना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दीपांशु जी से कि वो प्लीज बताएं कि आगे क्या फर्दर सेशंस हैं, क्या फर्दर एंगेजमेंट हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे, यस यस यस,
तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस पूरा जो सेशन है इसमें पैथोलॉजी से लेकर सोल तक के सारे कॉन्सेप्ट को एक पैक करके दिया गया, तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम लॉजिकल तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज, ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम फर्दर जो है इस तरीके से मिलते रहें रेगुलर हर वीकेंड्स पे, तो हम जूम के थ्रू आगे सेशंस को ले। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मोर देन जूम पर 400 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं, आप बता सकते हैं कि आप किस इंडिया के किस पार्ट से हैं, किस स्टेट से हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो कहाँ कहाँ से अटेंड करने के लिए आए हैं। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है हरियाणा से हैं और कुछ अलवर राजस्थान से भी आए हैं, राधिका जी आई हैं यूपी से आई हैं, और हर्षित शर्मा जो है शाहिबाबाद गाजियाबाद से आए हैं, अभिषेक विश्वास वेस्ट बंगाल से आए हैं केला होइबो, और तुषार जी आए हैं लखनऊ से आए हैं, और विपुल नाथ जी कोलकाता से आए हैं, बताइए काशी से आए हैं विनायक राज जी, तो पंजाबी बाग दिल्ली से आए हैं प्रेरणा जी, ध्रुव भारद्वाज गाजियाबाद से आए हैं, कोटा राजस्थान से आए हैं। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि लोग जो हैं कोलकाता गाजियाबाद लखनऊ हरिद्वार राजस्थान वेस्ट बंगाल काफ़ी जगह से, लगभग जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम गोरखपुर से आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी के एरिया से भी आए हैं, उड़ीसा से भी आए हैं, तो अमेठी से भी आए हैं कुछ लोग, तो एक तरीके से पूरा भारत जो है हमारे साथ इस ऑनलाइन वेबिनार में जुड़ चुका है। वसुधैव कुटुंबकम ऑनलाइन एक वसुधैव कुटुंबकम एक फैमिली है, तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत। नेपाल से भी आए हैं कुछ लोग, मैसूर से आए हैं, टीपू सुल्तान जी के एरिया से आए हैं देखिए, और काफ़ी नेपाल से भी लोग आए हैं हमारे पास ऑनलाइन, मतलब इंटरनेशनल ऑडियंस भी हमारे साथ इस समय, बिहार से भी आए हैं लोग, तो एक तरीके से इतने डिफरेंट स्टेट से आप आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख कर काफ़ी उत्साह मिलता है कि हमारा जो प्रयास है शिक्षार्थियों का, जो मुहिम है कि लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनका फेथ रीइंस्टेट कराना, तो हमारा आवाज़ जो है काफ़ी जगह तक पहुंच रहा है, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वेस्ट बंगाल से काफ़ी लोग आए हैं और नेपाल से भी काफ़ी लोग आए हैं, तो आसक्ति पूर्ण है बेंगलुरु, अच्छा तो बेंगलुरु से भी आए हैं, तो मूविंग फर्दर आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ से भी आप आए हैं, आप सभी लोग अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ आए हैं, वृंदावन से भी लोग आए हैं, तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने फर्दर जो है मेन टॉपिक, मेन इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक था ओवरकमिंग फियर थ्रू नॉलेज, तो हम बिना समय गवाए हम अपने जो हमारे आज के जो स्पीकर हैं उनके बारे में मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा, वो हमारे बीच में हमारे साथ हैं। जैसे कि हमने अपने वीडियो में उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार जान पाए क्या हमारे आज के जो गेस्ट हैं, हमारे जो स्पीकर हैं उनके बारे में। उनका नाम है आदरणीय हिज ग्रेस चंद्रगोपाल प्रो जी। चंद्रगोपाल प्रो जी जो है उन्होंने अपना एमटेक कंप्लीट किया आईआईटी दिल्ली से एज ए गोल्ड मेडलिस्ट, उसके बाद इन्होंने एलएनटी लिमिटेड में जॉब किया एज ए मैनेजर इंजीनियर। जब वे जॉब करते वक्त इन्होंने देखा कि समाज के अंदर, भारत के अंदर, स्पेशली युवा वर्ग के अंदर जो है सनातन धर्म के प्रति और वैल्यू एजुकेशन, मोरल एजुकेशन की काफ़ी कमी होती जा रही, ये देखने के बाद इन्होंने अपना एक हाईली सक्सेसफुल कैरियर जो था इन्होंने पूरा त्याग छोड़ा इन्होंने, और एज ए फुल टाइम मॉन्क जो है समाज की सेवा करने के लिए और एक युवाओं को बेटर लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को एक तरीके से मटेरियल लाइफ को छोड़कर समाज की सेवा करने के लिए एज ए फुल टाइम मॉन्क इन्होंने सेवा करना प्रारंभ किया, और आज लगातार इनके प्रयास और इनके मार्गदर्शन की वजह से आज हम देखते हैं विगत 15 सालों के अंदर जो है इन्होंने 100,000 युवाओं को टच किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है, और यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए मोर देन 65 फेस्टिवल ऑल अक्रॉस द इंडिया, मेगा फेस्टिवल्स इन्होंने कराए हैं, इनके मार्गदर्शन में हुए हैं, जिसकी वजह से 100,000 युवाओं का जीवन बदला है, उनका फेथ दोबारा से वैदिक कल्चर के प्रति, सनातन धर्म के प्रति रीइंस्टेट हुआ है। इसके अलावा आज 80 से ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं, सेंटर्स हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं, IIT से लेकर NIT से लेकर हर जगह पर जो है आज हफ्ते भर में करीब 150 से ज़्यादा भगवद्गीता कुपर सेशंस, वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाती हैं, जहाँ पर लोग भगवद्गीता से शिक्षा प्रदान करते हैं और अपना जीवन बदलने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही प्रभु जी के मार्गदर्शन की वजह से हम देखते हैं कि
गांव के अंदर से लेकर स्कूल कॉलेजेस हर जगह तक, जैसे कि प्रोजी ने स्कूल्स के अंदर जो है बच्चों को वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वैदिक क्लब का फॉर्मेशन किया है, जो कि छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि आने वाले भारत के भविष्य है, इसके लिए वैदिक क्लब का फॉर्मेशन किया। कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इन्होंने एथिक्राफ्ट क्लब का फॉर्मेशन किया, उसके डायरेक्टर हैं प्रोजी। इसका विजन है कि इसको जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना, मॉरल एजुकेशन, एथिक्स, स्पिरिचुअल एजुकेशन में ट्रेनिंग देना, ताकि वो आने वाले टाइम में एक बेटर पर्सन के रूप में सोसाइटी को, नेशन को लीड कर सके, सर्व कर सके। इसके अलावा गांव के अंदर हम देखते हैं कि गांव के अंदर जो है लोगों का विश्वास सनातन धर्म के प्रति बना रहे और उनको हेल्प करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए विलेज टीचिंग कैंपेन भी प्रोजी ने लॉन्च किया, जिसके तहत गांव के अंदर लोगों की मदद की जा रही है, लोगों को जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही प्रोजी के मार्गदर्शन में हम देखते हैं कि समाज के जो रूरल एरिया है, जो रूरल एरियाज के अंदर लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, लोगों को कानून संबंधी जानकारी देने के लिए कई एनजीओ के माध्यम से प्रोजी काफी सक्रिय है, समाज सेवा भी कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जाकर। तो आज हमारे बीच में आदरणीय सुंदर गोपाल प्रोजी हमारे साथ हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें, पूरा नॉर्थ इंडिया जहां पर भारत की 40% से ज्यादा आबादी रहती है, पूरे नॉर्थ इंडिया में हम देखें तो प्रोजी के गाइडेंस में आज प्रचार कार्य हो रहा है, लोग अपना जीवन सुधार रहे हैं। जैसे हम बात करें लुधियाना से लेकर गुड़गांव, दिल्ली, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, पटना, लखनऊ, गया, इवन छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक, हर जगह पर हम देखें तो आज प्रोजी के मार्गदर्शन में लोग जो है भगवद गीता और सनातन धर्म की शिक्षा को ले रहे हैं, अपना जीवन सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ ही प्रोजी ने अपनी तरीके से 200 लीडर्स क्रिएट किए हैं, जो कि भारत के 11 से ज्यादा राज्यों के अंदर भारत के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लाखों युवाओं के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये सब प्रोजी ने अपने 15 साल के एफर्ट से, अपने मार्गदर्शन से, अपने विजडम से प्रोजी ने किया है। और आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ प्रोजी हमारे साथ इस वेबिनार में उपलब्ध हैं। प्रोजी ने अपना टाइम दिया है। शास्त्रों में बताया गया है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि अगर हम क्षण मात्र के लिए भी अगर हम किसी रियलाइज सोल का एसोसिएशन करते हैं, उनसे सुनते हैं, तो हम अपने जीवन की सारी परफेक्शन को प्राप्त करते हैं। इसी के साथ आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आदरणीय सुंदर गोपाल प्रोजी से निवेदन करता हूं कि प्रोजी आप अपने ज्ञान के मशाल से हम सभी लोग के अंदर जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसको दूर करें, समाप्त करें और हमें सत्य की तरफ मार्गदर्शित करें। ओवर टू हिज ग्रेस सुंदर गोपाल को। थैंक यू सो मच। सो वी विल स्टार्ट विद द प्रेयर, हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। शिक्षार्थकम चैनल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ ये जो प्रोग्राम है, ये पहला वेबिनार आप सबके लिए समर्पित किया जा रहा है आज। तो मैं देख पा रहा हूँ कि काफी सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और आप सब बहुत एक्साइटेड हैं। क्या आपको कुछ स्पेशल बताया जाएगा, कुछ स्पेशल सीखने को मिलेगा? तो बातें वही पुरानी है, नए तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, है ना? तो इसको बार बार सुनने से, री एम्फेसाइज करने से, डिस्कस करने से बातें मन में
बैठ जाती हैं, है ना। कहने सुनने से क्या होता है, सुनने से ना हमारा चेतना परिवर्तित होता है, हमारे सोचने का तरीका है ना बदलता है सुनने से, और सुनने से विचारों में परिवर्तन होता है। जब विचार ठीक होता है, विचार ठीक होगा तो व्यवहार ठीक होगा, और व्यवहार ठीक होगा तो व्यापार ठीक होगा, और व्यापार ठीक होगा तो फिर संसार ठीक होगा। क्या फिर से बोलिए, विचार सुनने से क्या होगा हैं? अच्छी बातों पे चर्चा करने से विचार शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होने से व्यवहार शुद्ध होता है, व्यवहार शुद्ध होने से व्यापार शुद्ध होता है, और व्यापार शुद्ध होने से संसार शुद्ध होता है, हैं? इसी उद्देश्य के साथ शिक्षार्थकम, शिक्षार्थ का अर्थ है एजुकेशन, एजुकेशन, और एजुकेशन ही सारी समस्या का समाधान है। आज संसार में कितनी समस्याएं चल रही हैं, हर जगह अफरा तफरी है, और कोरोना में जितने लोग पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग इस महामारी के कोप से जल्दी से बाहर निकलें, और हमारा देश, हमारा समाज, संपूर्ण विश्व सुरक्षित हो। तो इस कोरोना ने सबको भयभीत कर रखा है ना, तो उसी के ऊपर आज का टॉपिक है ना। कोरोना एक माध्यम है जिससे आज लोग भयभीत हैं, है ना। तो भय जो है वो, उसी के ऊपर आज चर्चा है कि हम क्यों भयभीत होते हैं, कैसे भय से बाहर निकला जाए और हमेशा प्रसन्न रहा जाए, आनंद में रहा जाए, है ना। आनंद कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे हम हमेशा प्रसन्न रहें, हर परिस्थिति को फेस करने की क्षमता विकसित कर सकें, है ना। जैसे एक कहानी एक है, आपने नाम सुना होगा, एक जानवर होता है उसका नाम है खरगोश, ना रैबिट बोलते हैं इंग्लिश में, रैबिट। तो जब रैबिट शेर को देखता है ना, शेर लायन, जब लायन को रैबिट देखता है तो वो डर जाता है ना, डर जाता है, और डर के क्या करता है, सोचता है अब लायन मुझे खा जाएगा। तो लायन से बचने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है ना, क्या दो ऑप्शन, रैबिट के पास लायन से बचने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, रैबिट भागना शुरू करे, दौड़े, भागे, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करे हैं अपने को बचाने के लिए, और दूसरा आँख बंद करे। आँख बंद कर लिया, अब लायन दिखाई नहीं दे रहा, मतलब लायन नहीं है, लायन नहीं है। तो रैबिट कौन सा मेथड अप्लाई करता है, आँख बंद करने वाला। अगर रैबिट भागना शुरू करे, अगर रैबिट भागना शुरू करे अपनी क्षमता, जो भगवान ने उसको जो कैपेसिटी दिया है, क्षमता दिया है, उसको इस्तेमाल करके वो भागना शुरू करे, तो लायन उसको पकड़ नहीं सकता। लेकिन वो इतना हताश हो जाता है देखकर लायन को, वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है, सोचता है आँख बंद कर लिया तो लायन। उसी तरह से कई बार लोग प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय, जूझने के बजाय, स्ट्रगल करके प्रॉब्लम को जीतने के बजाय, कई बार वो लोग प्रॉब्लम से डर जाते हैं और उसे अपनी आंखें बंद कर देते हैं, प्रॉब्लम को भूलने का प्रयास करते हैं, और एक दिन वो प्रॉब्लम उनको आकर खा जाती है। तो हमको प्रॉब्लम से को फेस करना है इन ए ब्रेव वे, ना बहादुरी से। बहादुरी से कैसे जीवन के समस्याओं को कैसे हम फेस करें बहादुरी के साथ, है ना, ये सीखना है हमको, है। मनुष्य भागने के लिए नहीं बनाया गया, मनुष्य बनाया है लड़ने के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए। तो जीवन की समस्याओं से कैसे हम डरे ना, इसलिए इसी के ऊपर आज का टॉपिक हमारा है, ओवरकमिंग फियर थ्रू नॉलेज, ज्ञान की तलवार से, है ना, कैसे हम आसक्ति के बंधन को काट कर भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की तलवार से आसक्ति के बंधन को काट कर भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर चर्चा है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट लाइफ, है ना, व्हाट इज लाइफ। जनरली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ शुड बी, माय लाइफ शुड बी ए स्मूथ जर्नी, स्मूथ जर्नी, स्मूथ,
जिसमें कोई है ना झटका ना लगे, आराम से इजी गोइंग, गुड्डी गुड्डी लाइफ चलता रहे, कितना आनंद है, इजंट इट, है ना। लेकिन रियलिटी ये है, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि लाइफ इज नॉट ए स्मूथ जर्नी। और जब जर्नी में जाते हैं कहीं पर रोड अगर बहुत उबड़ खाबड़ आता है तो झटके लगते हैं, तो इसलिए गाड़ी में क्या रखा जाता है, शॉक एब्जर्वर्स। उसी तरह से लाइफ की जर्नी में भी जब जिस गाड़ी पे बैठते हैं, लाइफ की गाड़ी में बैठ के जब हम जर्नी कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में शॉक आएंगे, शॉक झटके आएंगे, चैलेंजेज आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, समस्याएं आएंगी। तो जिस तरह से गाड़ी में हमने शॉक एब्जर्वर लगा के रखते हैं, और जिस गाड़ी में शॉक एब्जर्वर जितना हाई क्वालिटी का होता है वो गाड़ी उतनी महंगी बिकती है कि नहीं, उसी तरह से जिस व्यक्ति के जीवन में ये शॉक एब्जर्वर्स, जो जितने शॉक को एब्जॉर्व कर सकता है अपने लाइफ में, वो उतना ही बड़ा लीडर बन सकता है जीवन में। आप बोलोगे हमको तो लीडर बनना नहीं है, हमें थोड़े ना पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी है, नहीं, हर व्यक्ति लीडर है। कैसे, आपको कम से कुछ ना कुछ नहीं, अगर आप लीड करते हैं कम से कम एक परिवार आपको लीड करना है। यू विल बिकम ए फादर एंड मदर, यू आर गोइंग टू लीड ए फैमिली, इजंट इट। तो जब आप एक परिवार को लीड कर रहे हैं तो पारिवारिक जीवन में भी बहुत सारे शौक आते हैं, झटके आते हैं, चैलेंजेज आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, इजंट इट। यू आर ए स्टूडेंट, स्टूडेंट लाइफ में भी कई सारे चैलेंजेज आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, है कि नहीं। तो हाउ विल यू फाइट विद दिस, हाउ विल यू फेस दो चैलेंजेस, कैसे आप उनका सामना करेंगे। इसलिए हम सबके जीवन में क्या होना चाहिए, क्या हमने अपने जीवन में शॉक एब्जॉर्बर्स इंस्टॉल किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप आज कर लो, आज कर लो। सो लाइफ इज नॉट ए स्मूथ जर्नी, इसमें झटके आते हैं ना। इसलिए हमको हमारे अंदर इनबिल्ट होना चाहिए, हमारे सिस्टम में मेंटली वी शुड हैव दैट टफनेस कि शॉक को एब्जॉर्ब करें, स्टिल लाइफ स्मूथली चलती रहे। और अगर हमारे अंदर इनबिल्ट नहीं है तो हमें किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, है ना, किसका, किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, किसी को से कंसल्ट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर किसी की हेल्थ खराब हो जाता है, या तो आप खुद डॉक्टर बनिए और अपना हेल्थ ठीक कीजिए, या आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जो मेडिकल एक्सपर्ट का एडवाइस लीजिए, है ना। उसी तरह से लाइफ के जर्नी में जब चैलेंजेस आते हैं तो इधर यू योर सेल्फ, आप खुद जो है उन चैलेंजेस को फेस करने की इनबिल्ट कैपेसिटी डेवलप कीजिए, या आप एक ऐसे व्यक्ति के से कंसल्ट कीजिए जो आपको गाइड कर सके, जो आपको हेल्प कर सके उस टफ सिचुएशन में, एंड दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट। और सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं साधु, संत, है ना, संत। तो आजकल आपको संतों के बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन वास्तव में संतों का यही काम है, है ना, कि जो लोगों के जीवन को में जो शौक आते हैं उसको कैसे उनको ज्ञान दें, जिससे कि वो उसको हैंडल कर सकें, टफ चैलेंजेस को हैंडल कर सकें। सो वी शुड टेक शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट। स्पिरिचुअलिस्ट हैं आध्यात्मिक लोग जो होते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 69th श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संजमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कहते कि जो कॉमन लोग जो है, साधारण लोग जिसको रात्रि समझते हैं, उसको एक एक साधु, एक संत जो है वो क्या समझता है, उसको दिन समझता है। और जिसको कॉमन लोग दिन समझते हैं वो संत उसको रात्रि समझता है। तो कोई बोलेगा ये तो समझ नहीं आया, दिन को रात और रात को दिन कैसे, उल्टा कैसे, उल्टा कैसे।
कहने का अर्थ समझिए, इसमें बहुत गहरा भाव है। भगवान ये बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं, है ना, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन योर लाइफ डोंट फील सरप्राइज, यू फील सरप्राइज। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जनरली व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चले ना, और कुछ बुरा हो जाता है तो क्या होता है, अरे ये कैसे हो गया मेरे लाइफ में, तो जनरली लोग सरप्राइज फील करते हैं, है ना, कि मेरे जीवन में बुरा हो गया, ऐसा कैसे हो गया, है ना। जैसे आजकल कोरोना में ना कई लोगों के रिलेटिव्स का डेथ हो रहा है ना, ऐसा कैसे हो गया ना, शॉक। तो संत क्या सोचता है, उल्टा सोचता है, होता है कि अगर कोई कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो साधारण लोग क्या करते हैं ना, आश्चर्य करते हैं, कैसे मर गए, है ना, उनको जीना चाहिए था। लेकिन एक संत तो कहेगी जी कैसे रहे हैं ना, इस संसार मृत्यु जगत है, इसमें हर जगह खतरा है, हर कदम पर खतरा है, हमारी शरीर जब अगर अस्वस्थ हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, अगर शरीर स्वस्थ रहे तो आश्चर्य करना चाहिए कि आज मेरे कोई बीमारी नहीं है ना, बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स हैं और हर सेल के अंदर पोटेंशियल है बीमारी करने का, और इतनी सारी सेल्स होने के बाद भी आज मैं पूरे दिन स्वस्थ रहा, कोई सेल खराब माल फंक्शन नहीं हुआ कहीं पे, कोई गड़बड़ी नहीं पूरे शरीर में, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो संत ऐसे सोचता है, संत चैलेंजेज हैं, चैलेंजेज आता है तो सरप्राइज फीलिंग, क्योंकि ये संसार चैलेंजेज के लिए ही बनाया गया है। इस तरह से उल्टा, कॉमन लोग चैलेंज आने पर घबराते हैं, संत जो होते हैं चैलेंज आने पर घबराते नहीं है, बल्कि सोचते ये तो नेचुरल है, world is filled of challenges, so when challenges comes in the life, when difficulties comes in the life, we should not get disturbed, that is natural. hai jab jeevan mein challenge aata hai to wo natural hai, usko bilkul natural samajhna hai, usko unnatural nahi samajhna hai, usko bilkul normal samajhna hai, abnormal nahi samajhna hai, ye sachne ka tarika hai santon ka, isliye wo har paristhiti mein muskura sakte hain, मुस्कुराते हुए चैलेंजेस का सामना करते हैं, हैं? तो इसलिए ऐसे संतों के साथ संग करने से, सुनने से, हैं? संत का मतलब कोई ये नहीं है कि बस लाल कपड़ा जो पहना हो, नहीं, उसके थॉट में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस में मैच्योरिटी होनी चाहिए, है ना, उसके अंदर चैलेंजेस को हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं संत। You may be in pant shirt. If you have got those capacity, वो क्षमता आपके अंदर आ गई है, you are a saint. जैसे हनुमान जी थे, उनका शरीर बंदर का था, बट क्या थे वो, संत थे, he was a great saint. So like that. So most संत, हमें क्या समझना है, हमें क्या समझना है कि most dangerous in most appealing, उस कुछ ऐसी चीजें होती हैं संसार में जो हमको बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत अट्रैक्टिव लगती है ना, जनरली लोग उसके पीछे दौड़ के जाते हैं ना, एक एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, कहावत क्या, फूल्स रशेज वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड अपॉन, जहां पे देवता पैर रखने से डरते हैं वहां मूर्ख लोग दौड़ के जाते हैं। तो जो इस संसार में हमको सबसे अट्रैक्टिव दिखता है, ये भगवान, ये सृष्टि जो है वो उल्टी दिखती है, भ्रामक सृष्टि है। भ्रामक सृष्टि का मतलब क्या है कि उल्टा दिखता है ना, उल्टा दिखता, जो सत्य है वो आपको असत्य दिखेगा, जो असत्य है वो सत्य दिखेगा, जो लाभदायक है वो हानिकारक दिखेगा, जो हानिकारक है वो लाभदायक दिखेगा, जो डेंजरस है, जो खतरनाक है वो आकर्षक दिखेगा, जो आकर्षक है वो खतरनाक दिखेगा, जो अमृत है वो विष दिखेगा, जो विष है वो अमृत दिखेगा, ऐसी भ्रामक सृष्टि है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये मछली है, एक शिकारी जो है चारा लगाता है, बेट लगाता है हुक के ऊपर और पानी में डाल देता है, मछली को चारा तो दिखाई देता है, लेकिन चारा के अंदर जो हुक है, जो उसका जीवन
समाप्त करने वाला है, वो दिखाई नहीं देता। मछली चारा तो देख सकती है, बहुत अट्रैक्टिव है मछली का आश्चर्य। आज आई एम सो लकी टुडे, इट्स अ गुड डे, माय डे टुडे इज अ लकी डे, चारा बड़े हैं आसानी से मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे जो हुक है वो नहीं देख पाती है ना। सो फिश गेट्स अट्रैक्टेड टू बेट एंड लूजेज इट्स लाइफ, उसका जीवन का अंत हो जाता है ना। किससे? उसी तरह से आपने फतिंगों को देखा है बरसात के दिन में आकर्षित होकर भागते हैं, किसके पीछे भागते हैं? आग के पीछे भागते हैं और वहां जाकर मर जाते हैं। जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है लगती है वो हो सकता है कि वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। उसी तरह से फूड, जंक फूड जो सबसे ज्यादा टेस्टी होता है ना, जनरली वो सबसे ज्यादा अनहेल्दी होता है। पीपल लाइक पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, देखते ही जीभ पे पानी आने लगता है कि नहीं? लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट से आप पूछोगे तो तुरंत बोलेगा, मना कर देगा, ये नहीं, सब मत खाना, शुगर बहुत मीठा लगता है ना। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेगा शुगर पे अवॉइड कीजिए आप, ठीक है? क्यों? ऑल्दो वेरी अपीलिंग, वेरी अट्रैक्टिव, है ना। इसीलिए जनरली लोग फंस जाते हैं इन सब चीजों में। और इससे कौन बच पाता है? एक व्यक्ति जो है ना, जिसका इनसाइट है, जो दूर का दूरदर्शी है, जो देख पाता है कि नहीं, हालांकि अट्रैक्टिव दिख रहा है लेकिन इसके पीछे खतरा है। सो टुडे दैट इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज वो इन आंखों से नहीं देखता है, इन आंखों से नहीं देखता है, वो ज्ञान चक्षु से देखता है। जब वो पिज्जा पे नजर डालेगा तो वो ज्ञान चक्षु से नजर डालेगा। जीभ तो लपलपाएगी, जीभ लपलपाएगी, लेकिन ज्ञान चक्षु से देख के बताएगा इसमें रोग भरा हुआ है, इसमें रोग भरा हुआ है, सावधानी से खाओ। तो इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। साधारण लोग टूट पड़ेंगे, लेकिन संयमी जो होगा, संयमी जो साधु होगा या संयमी व्यक्ति, वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, नहीं लाइक दैट। तो इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। और ज्ञान से हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम से बच सकते हैं, प्रॉब्लम से अपने को बचा सकते हैं, फंसने से बचा सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम इस संसार को देखें, तुरंत हमें जंप नहीं कर जाना चाहिए ना कंक्लूजन्स पे, है ना, तुरंत नहीं जंप करना चाहिए कंक्लूजन पे। तो जनरली हम लोग नाना प्रकार के, हमारे जीवन में जो दुख का कारण क्या है, कोई किसी से अगर पूछा जाए कि आप दुखी कैसे होते हो, वर्ड हाउ विल यू डिफाइन हैप्पीनेस, कि आप खुश को कैसे डिफाइन करेंगे, तो खुश का सिंपल डिफिनेशन है कि जब हम कोई चीज एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो एक्सपेक्टेशन जब हमारी फुलफिल हो जाती है तो हमको अच्छा लगता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन। हम कोई आशा करते हैं वो आशा पूरी हो जाए तो हम खुश प्रसन्न हो जाते हैं, है कि नहीं? अगर हम कुछ इच्छा करते हैं पूरा हो जाए प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो ये है, कहते इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हर एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे जीवन में नाना प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हमने बना रखी है, नाना प्रकार की एक्सपेक्टेशंस, ध्यान से सुनिएगा। और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है, कुछ एक्सपेक्टेशन तो पूरे हो जाते हैं, बड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होते तो क्या होगा? दुख होता है। तो देखिए कितनी एक्सपेक्टेशंस है, एकेडमिक से स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, एकेडमिक्स में उनकी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को टॉप करना है, बिजनेस रिलेशनशिप रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस, हेल्थ एक्सपेक्टेशंस, करियर रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन टू गेट लव, मेरा लाइफ शांति से रहे, पीस हैप्पीनेस, मेरे जीवन हमेशा खुशहाल रहे, वी एक्सपेक्ट, हर व्यक्ति मेरी बड़ाई करे, वी एक्सपेक्ट,
हैं, जितने लोग मेरे लाइफ में सब ओबीडियंट रहे, मैं जैसे बोलूं वैसे चल रहे सब लोग, वी एक्सपेक्ट लाइक दैट, है कि नहीं? मौसम हमेशा सुहाना रहे, है कि नहीं? आनंद का मौसम वी एक्सपेक्ट, हैं, कोई आंधी तूफान ना आए, कोई हमको इंसल्ट ना करे, कोई हमको क्रिटिसाइज ना करे, ये जनरली एक्सपेक्टेशन रहता है हर व्यक्ति का। और जब कोई इंसल्ट कर देता है तो क्या होता है? रात भर नींद नहीं आती। क्यों? हमने एक्सपेक्ट किया कि मेरे कोई इंसल्ट नहीं करे। सो ये एक्सपेक्टेशंस कैसे बनती हैं, है ना? एक्सपेक्टेशंस बनती हैं, है ना, एसोसिएशन से, है ना? जस्ट लाइक हम कई प्रकार की एक्सपेक्टेशन बनती है, जैसे कि कोई हमको बोल दिया है ना कि आईएएस एक बार बन जाए ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत पैसा है इसमें, एक बार आईएएस ऑफिसर बन जाइए, इतना पैसा कमाएंगे आप, इतना रुतबा है एकदम, है कि नहीं? तो जब हम सुनते हैं उससे, मन में एक इच्छा आ जाती है, मेरे को आईएएस बनना है, नाउ एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन बन गया ना, या मैं अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, है ना, एक्सपेक्टेशन आ गया, है कि नहीं? या कोई व्यक्ति, कई लोग सिनेमा से एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, सिनेमा मूवी देखेंगे सोशल मीडिया में, है? कोई सुपरस्टार बन गया, तो इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थ्रू मूवीज, है ना, सिनेमा में आपने कभी देखा होगा कि बच्चा छोटा था और अचानक बड़ा हुआ और सीधे आईएएस ऑफिसर ऑफिस में निकला, है कि नहीं? जब बड़ा हुआ तो सीधे आईएएस ऑफिसर था, पुलिस दरोगा था, या इंस्पेक्टर था, या एसपी था, या डीएम था, लेकिन क्या रियल लाइफ में होता है ऐसा? 3 घंटे में ही उसका पूरा लाइफ खत्म हो जाता है, लेकिन आपका लाइफ 3 घंटे में खत्म नहीं होगा। तो लोग मूवी देख देख के मूवी की तरह ही लाइफ में एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन अनरियल नॉलेज पे, जो इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन से जो हम लेसन्स लेते हैं और उससे जो हम एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होता है, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू रियल लाइफ। मूवीज देखकर जो हम एक्सपेक्टेशन डेवलप करते हैं वो अनरियलिस्टिक होता है, है ना, लाइक दैट। सेकंड क्या है, इवन अगर हमने कोई एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लिया, तो पहले बताया कि एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप होता है, एसोसिएशन से, है ना। एसोसिएशन मतलब किसी, कोई व्यक्ति आके आपको बताएगा तब, है ना, या आपने कहीं मूवी देखा या मीडिया, मीडिया के थ्रू, इट्स ऑल अबाउट मीडिया। देन अगर एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लिया, सम टाइम पीपल हैव एक्सपेक्टेशन, बट उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए हैं क्या चाहिए, कुछ आपको, यू हैव टू पे द प्राइस, लाइक यू वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आपने डेवलप कर भी लिया, तो क्या आप उतना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं? डू यू हैव द कैपेसिटी, और डू यू हैव दैट इंटेलिजेंस, डू यू हैव दैट मच करेज टू स्टडी दैट मच, आर यू रेडी टू पे द प्राइस? सेकेंड थिंग, इफ नॉट, जस्ट लाइक आपको हनी चाहिए, आप हनी निकालने जाएंगे तो हनी तो है, मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ मधुमक्खी आपको काटेगी, तो दो उसके लिए क्या तैयार है वो सहने के लिए, साथ ही साथ दोनों होगा। और तीसरा पॉइंट ये याद रखिए कि इवन इफ यू पे द प्राइस, इवन इफ यू पे द प्राइस, देर इज नो गारंटी दैट वी विल गेट द रिजल्ट, ये भी याद रखिए। 3 चीजें हैं, एक्सपेक्टेशन हमने डेवलप किया, ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कई बार हम डेवलप कर लेते हैं, और दूसरा क्या है, उसको फुलफिल करने के लिए जो हमें कीमत देनी है, जो हार्ड वर्क चाहिए, हार्ड एफर्ट चाहिए, कई बार हम उसको देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, और तीसरा अगर हमने कर भी लिया हार्ड वर्क, कोई गारंटी नहीं है कि वी विल गेट इट, दैट इज द रियलिटी। रियलिटी कई बार हम सुनते हैं, नहीं मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगा, आई एम ओके विद दैट, हाँ मेहनत करने से मिलता है लक्ष्य, लेकिन लेकिन कोई गारंटी नहीं, दिस इज रियलिस्टिक। ये लोग बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हमें, हमें हिम्मत नहीं, आई एग्री विद दैट, आई एग्री विद दैट, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बट साथ ही साथ
रियलिस्टिक भी होना चाहिए। रियलिस्टिक क्या है, रियलिटी क्या है, कि कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी एक व्यक्ति लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति रोड पे ड्राइविंग कर रहा है और बहुत अच्छे से ड्राइविंग कर रहा है, केयरफुली ड्राइविंग कर रहा है, सारे रूल्स जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ओके, क्या गारंटी है कि उसका एक्सीडेंट नहीं होगा? स्टिल एक्सीडेंट कैन हैपन, यस और नो? क्यों? आपका एक्सीडेंट होना केवल आपके ऊपर निर्भर नहीं है, आपके अगल बगल वाले के ऊपर भी निर्भर है। अगर वो गलत तरीके से ड्राइव करेगा फिर भी आपकी लाइफ में एक्सीडेंट हो सकता है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैट अफेक्ट्स आवर सक्सेस। इसलिए हमेशा ये रियलिटी ऑफ लाइफ को याद करना है कि इवन इफ यू हैव पुट बेस्ट ऑफ द एफर्ट, स्टिल है ना, स्टिल देयर इज ए चांस that we may not get success. That is called realistic. So what? तो फिर क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? क्या सुसाइड करके मर जाएंगे? क्या करेंगे? So that's where we have to work on the reality. This is the reality of life. जीवन की ये सच्चाई है और इसको फेस करने के लिए हमें करेज डेवलप करना है। यस, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेट मी फाइंड आउट द अल्टरनेटिव। हमें विकल्प ढूंढने हैं, हो सकता है कि इससे भी बढ़िया चीज हम कर पाए, हो सकता है इससे भी बेटर हो सकता है हमारा लाइफ। हम हताश क्यों होंगे? अगर नहीं भी मिला कोई चीज तो हम हताश क्यों होंगे लाइफ में? हम फिर से प्रयास करेंगे, हम और भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे और हमेशा अपना प्रयास जो है वो करते रहेंगे। तो किसी भी सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारना है। तो ये तीन लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। सो लाइफ इज नॉट ए स्मूथ जर्नी लाइक एकेडमिक्स, यू नो। एक लड़का था आईआईटी कानपुर में, उसने सुसाइड कर लिया था। जब कमिटी बैठाई गई तो पता चला कि ये लड़का तो पिछले 3 साल से टॉप किया था, तो कोई कॉलेज का टॉपर, वो भी आईआईटी का टॉपर, सुसाइड क्यों करेगा? तो कमिटी जब बैठाई गई उसका पता करने के लिए क्यों सुसाइड किया, तो कमिटी ने बताया कि ये लड़का सुसाइड किया क्योंकि 2 साल से हमेशा टॉप किया करता था क्लास में, लास्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में हमेशा उसके ए ग्रेड आया करते थे, लेकिन इस बार बी ग्रेड आ गया और उसको झेल नहीं पाया कि मेरे को भी बी ग्रेड आ सकता है। उसके क्लासमेट उसको है ना चिढ़ाने लगे, मतलब बिक्का बिक्का बोल के चिढ़ाने लगे और उसको झेल नहीं पाया। सक्सेस तो पाते पाते सक्सेस लेने की आदत पड़ गई, फेलियर को झेल नहीं पाया, वो फेल नहीं हुआ। बी ग्रेड आना फेलियर नहीं माना जाएगा। उसी कॉलेज में कई लड़के थे सी ग्रेड आया था, लेकिन फिर भी आराम से रेस्टोरेंट में जाके खा रहे थे, उनको टेंशन नहीं है इतना, इसको टेंशन है। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ दैट ही ऑल्सो कैन गेट बी ग्रेड। एंड वेन इट कम्स, जब बी ग्रेड आए तो क्या करना चाहिए उसको? उसके लिए वो कभी सोचा ही नहीं था अपने लाइफ में, किसी ने उसको बताया नहीं था कि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, है? तो उसने सुसाइड कर लिया। सिमिलरली बिजनेस, बिजनेस में हमेशा सक्सेस नहीं मिलता है, है? कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, जस्ट लाइक आप जानते हैं विजी सिद्धार्थ जिन्होंने आत्महत्या किया, 2015 तक उनके पास 8,000 करोड़ रुपीज की प्रॉपर्टी थी, 8,000 करोड़, और 4 साल के बाद ही वॉज माइनस 7,000 करोड़ रुपीज इन लोन। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। टूडे यू आर किंग, tomorrow you can be a pauper on the street. So what is the option you have? Life से कभी हार नहीं मानना है। ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बड़े बड़े लोगों के सामने आती है, तो उसमें हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें उसको फेस करने के लिए पहले से ही है ना, ये रियालिटी है लाइफ का, इट्स रियालिटी, यू कैनॉट अवॉइड इट, है ना। सिमिलरली रिलेशनशिप, इसलिए भगवान कृष्ण क्या करें यहाँ पे, सुख दुखे समय कृत्वा
लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नयुं पापम अवाप्स्यसि। डू थाउ फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, एंड बाई सो डूइंग यू शैल नेवर इनकर सिन। मतलब कभी लॉस होगा, कभी गेन होगा, कभी विक्ट्री होगा, कभी डिफीट होगा, कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, हैं? समय सुखे दुखे लाभा लाभ हो जया जय हो, हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को करना है। वॉट बेस्ट आई कैन डू इन दैट सिचुएशन वी शुड बी रेडी टू डू। सिमिलरली रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में हम चाहते हैं हमेशा प्रेम हो, कोई झगड़ा ना हो परिवार में, कितना मजा आए जब घर में कोई झगड़ा ना हो, है ना? और झगड़ा हो तो सुसाइड कर लेते हैं, है कि नहीं? मेनी पीपल कमिट सुसाइड। आप देखिए यहाँ पे आपके ये बक्सर के डीएम हैं, इन्होंने सुसाइड किया, इनको सुनिए। नाम मुकेश पांडे है, मैं आईएएस 2012 बैच का ऑफिसर हूँ, बिहार कैडर का, और मेरा घर गुवाहाटी असम में पड़ता है। मेरे पिताजी का नाम सुदेश्वर पांडे है और मेरी माता जी का नाम गीता पांडे है। मेरे सास ससुर का नाम राकेश प्रसाद सिंह और पूनम सिंह है। तो ये मेरे सुसाइड और मेरे मौत के बाद का मैसेज है, ये मैं पहले से प्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ बक्सर के सर्किट हाउस में। यहीं पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली में जाके अपने जीवन का अंत कर दूँगा। ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने जीवन से अब खुश नहीं हूँ। मेरी वाइफ और मेरे माता पिता के बीच बहुत तनातनी है और हमेशा दोनों एक दूसरे से उलझते रहते हैं, जिससे कि मेरा जीना दुश्वार हो गया है। ओके, पूरा वीडियो आप बाद में देख सकते हैं, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि देखिए कि ये आईएएस ऑफिसर हैं, पूरे जिले को संभाल रहे हैं, है ना? इनके ऊपर जिम्मेदारी है जिले को संभालने की, लेकिन परिवार को संभालना कितना मुश्किल है। अब इनको सोचना है कि घर में झगड़े हो रहे हैं, पत्नी में और माँ में के बीच में, है ना, सास बहू के झगड़े हैं और ये बीच में हैं बेचारे, उसको झेल नहीं पाए, है ना? इन्होंने सोचा कि जीवन का अंत कर देता हूँ। क्यों क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि शादी के बाद इतनी समस्याएं आएंगी, सो ही वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, है ना? तो हमें टफ बनना चाहिए, ऐसी सिचुएशन आती है उसको हंसते हंसते हमें झेलना है, है ना? अगर हमने इसको नहीं समझा है तो हम जब उस सिचुएशन में जाएंगे तो इस तरह से हम टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और आईएएस होते हुए भी देखिए कितना स्टिल ही कमिट सुसाइड। तो हर परिस्थिति को जानना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। यस, आई एम गेटिंग इनटू मैरिड लाइफ, इन मैरिड लाइफ देर विल बी सिचुएशंस वेयर देर विल बी फाइट क्वारल्स, मेरे को फेस करना है उस सिचुएशन को। सिमिलरली हेल्थ, जस्ट लाइक कोरोना की बीमारी आई है, है ना? कोरोना की बीमारी आई है आजकल, तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, अरे ये बीमारी आ गई, है ना? क्यों? लोग बिकॉज पीपल आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, है कि नहीं? पीपल आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, है ना? We expect our health will always be good, isn't it? लेकिन कितने लोग अपनी इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करते हैं डेली? आप एक घंटे आधे घंटे जेते हो, आर यू पेइंग द प्राइस फॉर गुड हेल्थ? हर व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि मेरा हेल्थ अच्छा हो, लेकिन अच्छा हेल्थ कर रखने के लिए क्या आपको कीमत चुका रहे हैं? क्या आप आधे घंटे एक घंटे बिता रहे हैं, दे रहे हैं? पालक मित्तल, पंकज मित्तल रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन। ओके, तो क्या आप चुका रहे हैं ये कीमत? नहीं चुका रहे हैं, है ना? तो पे द प्राइस, इवन इफ यू पे द प्राइस वी मे नॉट गेट इट, है ना? वी मे नॉट गेट इट। तो अगर हम प्राइस दे, अगर कोई व्यक्ति जो अपने इम्यूनिटी पे काम कर रहा है, वैसे लोग भी मर रहे हैं जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, सोचिए उसकी क्या होगी जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। सो दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ, इवन इफ यू हैव ए स्ट्रांग इम्यूनिटी वन कैन डाई। सो वी शुड बी रेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली टफ है। और देन कम्स करियर, है ना? स्टार्टिंग विदाउट
करियर मेरा अच्छा होना चाहिए, हर व्यक्ति सोचता है, एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा करियर होना चाहिए, है ना। हालांकि उसके लिए कितना मेहनत करने की जरूरत है, उतना मेहनत करने के लिए तैयार नहीं रहता व्यक्ति। और यहाँ तक कि जो लोग मेहनत भी करते हैं कई बार उनको सक्सेस नहीं मिलता है। उसी तरह से प्रेम, हर व्यक्ति चाहता है हर व्यक्ति मुझे प्रेम करे, लेकिन क्या हम वो त्याग करने के लिए तैयार हैं? नहीं। प्रेम में क्या जरूरत है? वी नीड टू सेक्रीफाइस, देयर इज लॉट ऑफ सेक्रीफाइस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिलेशनशिप। टू मेंटेनिंग ए रिलेशनशिप इज नॉट ईजी टास्क। दैट्स वाई आज देख पा रहे हैं आपकी इतनी ज़्यादा संख्या में संबंध टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट तो करते हैं हर व्यक्ति मुझसे प्रेम करे, लेकिन क्या उसको उस प्रेम को निभाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, एक दूसरे को सहना पड़ता है, विनम्र रहना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, निस्वार्थ भावना दिखानी पड़ती है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अपनी ईगो को कंट्रोल करना पड़ता है, हैं? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं। तो फिर कैसे प्रेम मिलेगा, कैसे रिलेशंस कंटिन्यू होगा? तो दैट्स वाई आज आप देखो समाज में लोनलीनेस की समस्या बढ़ रही है, लोग अकेला महसूस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फीलिंग लोनलीनेस। यूके और जापान में तो मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस सरकार ने खोल दिया, कुछ दिनों के बाद इंडिया में भी खुलेगा मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो लोनलीनेस लीड्स टू डिप्रेशन, सो दैट्स अ फैक्ट। सिमिलरली पीस, है ना, लोग शांति चाहते हैं, है ना, लाइफ में शांति हो, लेकिन झगड़ा हो जाए तो हमको आश्चर्य होगा, अरे झगड़ा कैसे हो गया, लड़ाई नहीं करना चाहिए, एक बात सामने रख देते हैं, झगड़ा झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, इसके लिए लोग चिंतित हो जाएंगे, लड़ाई से डरते हैं लोग। जैसा अभी फिलिस्तीन और इजराइल में वार हो गया, है ना, चारों तरफ हाहाकार हो गया, अरे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लोग मरने नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कई बार हम लोग लड़ाई से डरते हैं, शांति शांति नहीं, लेकिन ये भी एक रियलिटी है लाइफ का कि हम कितना भी लड़ाई से बचने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं युद्ध चलता ही रहता है, लड़ाई से हम बच नहीं सकते, कॉन्फ्लिक्ट विल ऑलवेज बी देयर। सो वी शुड डेवलप द रेजिलियंट, हमको अपने मसल स्ट्रांग करना चाहिए, लड़ाई के लिए भी तैयार रहना चाहिए ऐसी सिचुएशन आए तो, है लाइक दैट। तो इस तरह से हमने देखा कि नाना प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हमारी लाइफ में होती है, नाना प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हमारी लाइफ में होती है, और हम लोग जो हैं वो उन एक्सपेक्टेशंस के आधार पे हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल होती रहे, है ना, लाइक दैट। पर ये रियलिटी है कि हमारी हर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो सकती है, ये रियलिटी है लाइफ का। कई बार हम जीत पड़ जाते हैं, नहीं अगर ये चीज़ नहीं मिली तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं, है ना, कि हर व्यक्ति मैं जो बोलूं वो मान ले, ये एक्सपेक्टेशन है, मैं जो कहूं वो सब लोग मान लें उसको, है नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, है ना। सो इसलिए हमारे लाइफ में अगर कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता है तो क्या होता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है, तो हम डर जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं, हम उसको ईगो पे ले लेते हैं, पूरी रात सो नहीं पाते, है ना, झगड़ा हो जाता है, ना रिलेशंस टूट जाते हैं, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए अपने को तैयार नहीं किया, हमने कभी सोचा नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरी बात नहीं मानेगा, उसके लिए हमने अपने को तैयार नहीं किया। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में लोग जो है वो टूट जाते हैं, या जानते नहीं कैसे हैंडल करें ऐसी सिचुएशन में, हैं, टूट जाएंगे या रूठ जाएंगे या नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए जिगलर है ना, उन्होंने क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड कैपिटलाइज ऑन व्हाट कम्स। एक्सपेक्ट द बेस्ट, आशा कीजिए कि आपके लाइफ में सब अच्छा अच्छा रहे, सब अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या रियलिटी ये है
कि देयर कैन बी वर्स्ट ऑल्सो, वर्स्ट थिंग कैन हैपन इन आवर लाइफ जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जो आप चाहते हैं उसका उल्टा भी हो सकता है, और अगर उल्टा हो जाए तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जस्ट लाइक कोरोना में, ठीक है, होप द बेस्ट कि हमको कोरोना नहीं होगा, कोई हमारे रिलेशन में कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, कोई मरेगा नहीं, दैट्स ओके, वी शुड होप, वी शुड ट्राई ऑल्सो, बट वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इन केस ऐसा हो भी गया तो हमें इतना टूट नहीं जाना, इतना हताश नहीं होना चाहिए, है ना, कि हम अपने जीवन को से हार जाएं। तो उस परिस्थिति में भी हमें सोचना चाहिए कि अब ये इस परिस्थिति हमारे सामने आ गई है तो मैं कैसे इस पे कैपिटलाइज करूं, हाउ टू कैपिटलाइज ऑन द वट एवर अपॉर्चुनिटी और सिचुएशन जो मेरे सामने, जो भी परिस्थिति आई है उसमें कैसे मैं अब बेस्ट अपना कर सकता हूँ, उसमें दिमाग लगाना चाहिए, ना कि हमें ब्रेक डाउन होके बैठ जाना चाहिए, है ना, या जीवन से हार जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें मेंटल मसल्स को डेवलप करना है। तो ये कैसे करेंगे, 3 स्टेप्स हमको याद रखना है, ठीक है। पहला चीज है फ्रॉम पैनिक टू पीस, है ना, फ्रॉम पैनिक टू पीस। पैनिक सिचुएशन में है, पैनिक सिचुएशन को अगर हम समझ जाएंगे कि, है ना, ये तो आना ही है, ये पॉसिबल है मेरे लाइफ में आ सकता है, तो हम पैनिक में भी पीसफुल रह सकते हैं। कैसे पैनिक में कैसे पीसफुल रह सकते हैं, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने पहले से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया है इस सिचुएशन के लिए तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगा, पैनिक सिचुएशन आएगा भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम स्नान करने जाते हैं, व्हेन यू गो टू टेक बाथ, तो हमको पता है पहले से कि जा रहे हैं स्नान करने, पानी शरीर पे डालेंगे तो ठंडा लगेगा, हैं, बट बिकॉज वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, पानी डालते भी है, ठंडा भी होता है, लेकिन हमको स्ट्रेस नहीं होता, है ना, गुस्सा नहीं होता, हम इमोशनल नहीं होते, गुस्सा नहीं करते। लेकिन मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हो, अचानक कोई पानी डाल दे आपके ऊपर, अचानक पानी डाल दे, कैसे क्या होगा, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, है ना, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। वही पानी खुद हम डालेंगे तो गुस्सा नहीं होंगे, लेकिन कोई और डाल देगा तो गुस्सा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम तैयार नहीं थे, मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। या आप कोई गड्ढा है, आप खुद जंप करोगे, गड्ढे में कूदोगे तो आपको चोट नहीं आएगी, लेकिन खड़े हैं और कोई आगे पीछे से धकेल दे आपको उस सिचुएशन में, और जिसके लिए आप तैयार नहीं हो, तो क्या होगा, आपके हाथ पैर टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। तो पैनिक से पीस, अगर आप अपने को मेंटली प्रिपेयर करते हो उस सिचुएशन के लिए, तो इवन इन पैनिक सिचुएशन यू विल रिमेन पीसफुल, है ना। सो और हम समस्या कब आती है, जब हम अपने को तैयार नहीं रख करते हैं, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशन। क्यों, व्हाई वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच सिचुएशन, व्हाई, बिकॉज हम जो है ना ख्याली पुलाव की दुनिया में जीते हैं। हाँ, हर समय हर चीज़ गुड़ी गुड़ी अच्छी अच्छी होनी चाहिए, है ना, कभी हम सोचते भी नहीं है कि उल्टा भी हो सकता है हमारे लाइफ में। इसको कहते हैं रियलिज्म, रियलिस्टिक। एक व्यक्ति बोला, अरे है ना, इस्कॉन में जो लोग जो हैं वो बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, है ना, क्या क्या बातें करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, बुढ़ापा की बात करते हैं। अरे सही, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, मृत्यु की बात क्यों करते हैं आप? इसलिए करते हैं क्योंकि मृत्यु एक रियलिटी है लाइफ का, यू हैव टू फेस इट टुडे और टुमारो, देयरफॉर वी मस्ट टॉक ऑन इट, वी शुड नॉट क्लोज आवर आईज लाइक रैबिट, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ एंड वी शुड टॉक अबाउट इट, नॉट ओनली टॉक, हमको अपने को तैयार करना है उसको फेस करने के लिए, वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर दैट, वी शुड नॉट लिव इन सम आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, यू नो, यूटोपियन वर्ल्ड, but there is no problem, problem is there, let us prepare ourselves to face it, that is called realism, not optimistic, neither optimistic nor pessimistic, but we should be realistic, again repeating, neither optimistic nor pessimistic, but we should be realistic. Aap optimistic rahiye, koi dikkat nahi hai, na,
लेकिन साथ ही साथ रियलिटी को भी ध्यान में रखिए कि ये भी पॉसिबल है ना। तो अगर वो सिचुएशन आएगा तो आई एम प्रिपेयर्ड मेंटली। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, रियलिटी आ गई, मतलब एडवर्स सिचुएशन, विपरीत परिस्थिति, विषम परिस्थिति, कठिन परिस्थिति अगर आपके जीवन में आ जाती है, तो आप क्या कर, हमको क्या करना है, बिल्ड योर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, हाउ टू फेस इट। हमारी लाइफ में चैलेंजेज आई है, प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटी में बदल के उसको जीत लेना है, उसमें हारना नहीं है, बल्कि वहां पर भी अदम्य साहस और उत्साह के साथ उसको फेस करना है और उसमें आगे बढ़ना है, कभी जीवन से हारना नहीं है। तो ये तीन चीजें याद रखिए, फ्रॉम पैनिक टू पीस, रियलिज्म ओवर ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म एंड बिल्डिंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। ये तीन चीज अगर आप डेवलप कर लेंगे तो यू नेवर बिकम फियरफुल इन एनी सिचुएशन। किसी भी परिस्थिति में आपको डर नहीं लगेगा, हर परिस्थिति में आपको पता है कि इस परिस्थिति आई है, मेरे जीवन में एक परीक्षा की घड़ी आई है और इसको मुझे फेस करना है, और ये रियलिटी है लाइफ का, हम इसे बच नहीं सकते, इसलिए हमको पूरा प्रयास कर अपना लगाकर इसे इसको हैंडल करना है, इसको फेस करना है, उसके लिए हमको स्ट्रेंथ डेवलप करना है ना? तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हमको हो सकता है ना? हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने को डेवलप करने का। तो फ्रॉम पैनिक टू पीस यहाँ पे देखिए एक तराजू है, ओके, एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक्चुअल प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज क्या है, प्लस पैनिक। आप देखो एक वही प्रॉब्लम एक व्यक्ति के लाइफ में आएगा, दूसरे व्यक्ति के लाइफ में भी आएगा, एक व्यक्ति उसमें बहुत ज्यादा एजिटेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता, प्रॉब्लम सेम है दोनों की लाइफ में। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति उसको पता नहीं कि कैसे हैंडल करना है उस प्रॉब्लम को, इसलिए उसको पैनिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ऐसी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आ भी सकती है, इसलिए वो पैनिक हो जाता है। लेकिन जो पहले से एक्सपेक्ट करता है, अरे ये तो आना ही था, ये क्या आश्चर्य है, इसमें क्या आश्चर्य है। जैसे एक व्यक्ति थे, है ना, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, है ना, मुझे। तो अगर मैं सोचूं अरे मेरे को कैसे क्रिटिसाइज कर दिया, उसने मेरे इंसल्ट कर दिया, हम पूरी रात सोचते रहे, नहीं, मैंने क्या सोचा, ये तो नेचुरल है इस संसार में, है इस संसार में क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है लोगों के हृदय में, तो वो क्रिटिसाइज करेंगे, है ना। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसका निंदा नहीं हुआ है? हर व्यक्ति का निंदा होता है, चाहे यहाँ तक कि भगवान कृष्ण आइडियल व्यक्ति थे, उनकी भी निंदा हुई है कि नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि मेरी कोई निंदा नहीं करता, ये इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। कोई हमारी निंदा करता है, हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि नहीं। कोई हमारा दोस्त निकालता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको मानते हैं कि ये अनयूजुअल है ना, हम मानते हैं ये नॉर्मल है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम जिस दिन एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी मस्ट बी रेडी टू फेस इट विदाउट बिकमिंग डिस्टर्ब, तो हम उसको पैनिक नहीं होंगे। तो पैनिक टू पीस, जब हम जान जाएंगे, नॉलेज क्या हो गया, नॉलेज ये हो गया है, जस्ट लाइक आप अगर अगर आप पानी के अंदर जा रहे हो तो आपको पहले से पता है कि पानी के अंदर जाऊंगा तो ठंडा लगेगा, है कि नहीं। तो अगर आपको पहले से पता है कि पानी के अंदर आप जाएंगे तो ठंडा लगेगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर होके जाते हो, है कि नहीं। तो आपको उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, हाँ ठंडा लगता है बट स्ट्रेस नहीं होता। सो आपको नॉलेज है पहले से किसके बारे में, पानी के बारे में आपको नॉलेज है। लेकिन आपको अगर पहले से मान लीजिए पता है पानी गर्म होता है और फिर जाएंगे और अचानक ठंडा लगने लगा, तो फिर आपको क्या होगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना, कठिनाई होगी। तो एक्सपेक्टेशन आर रिलेटेड टू नॉलेज, है ना। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक आवर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक देन वी शुड हैव प्रॉपर नॉलेज। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लीड्स टू प्रॉब्लम, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लीड्स टू प्रॉब्लम। हमको लाइफ में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, है रियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना चाहिए। रियलिटी क्या है कि प्रॉब्लम आ सकती है ना। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए, है ना, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है
कि जिस भी व्यक्ति संसार में जन्म लिया उसको एक दिन मरना है। रियलिटी क्या है, हमारा शरीर जो है बना हुआ है भौतिक तत्वों से, इसमें नाना प्रकार के वायरस अटैक करेंगे। इट्स पॉसिबल दैट वायरस कैन एंटर एंड आई कैन गेट इन्फेक्टेड, आई कैन डाई ऑल्सो, दिस इज अ प्रैक्टिकल। सो अगर ऐसी चीज होती है तो इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य क्या है, इट्स अ फैक्ट, इट्स नथिंग नथिंग अनयूजुअल। तो अगर ये नॉलेज है हमको, अगर लाइफ के बारे में नॉलेज है अगर हमको, तो वी विल नॉट बिकम पैनिक। ठीक है, इट्स नेचुरल, इट्स नेचुरल है। जिसकी जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, ये नेचुरल है, ठीक है नहीं। इससे बड़े बड़े महान सम्राट जिसके पास सब कुछ था, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पूरे विश्व को जीता, उसकी भी मृत्यु हुई, सबकी मृत्यु निश्चित है। सो भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मूवीज से, इधर उधर से, कि हमेशा लाइफ में खुशी ही रहेगी, सब अच्छा ही चलेगा, सब लोग मुझे प्रेम ही प्रेम करेंगे, सब शांति रहेगा, हेल्थी रहेंगे हम सब, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। मूवी में हम देखते हैं क्या, मूवी में हम देखते हैं कि है? लोग जो है वो लड़का लड़की प्रेम कर रहा है, कि ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का है। तो हमको लगता है कि हम है ना, हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हमारे अलावा और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेगा, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक, इट्स नॉट इजी, है ना। सेइंग इजी इजी देन डन डूइंग, इजंट इट, तो इट्स नॉट इजी है। सो व्हाई टू एक्सपेक्ट सच हाई लेवल ऑफ चेस्टिटी और लॉयल्टी, देर कैन बी अ प्रॉब्लम and we should be prepared for that, we should be mentally ready for that. Of course we should try our best not to do that, lekin fir bhi mentally taiyar rehna chahiye. To isliye agar hum unrealistic expectations life mein banayenge, chahe wo academic se related ho, chahe wo career se related ho, chahe wo relationship se related ho, to jab wo expectation fulfill nahi hoga to kya hoga, humko bahut dukh hota hai. And sometimes people break down, you know, heavily break down. और इतना break समझ में आता है कि अब क्या करें हम इस situation में? They commit suicide. Every year, पूरे संसार में लगभग 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं. 10 लाख. Corona से लगभग 20 लाख लोग मरे हैं. 1.5 साल हो गया. लेकिन Corona इतना हल्ला है, वो हल्ला है कि नहीं मीडिया में? लेकिन आपको जान के आश्चर्य हुआ कि अपने आप से लोग मार रहे हैं अपने को, उसके बारे में क्या कहेंगे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, ठीक है ना। 10 लाख लोग, 10 लाख लोग एक साल में मर रहे हैं, मतलब डेली कितना हो गया, लगभग 3,000 to 4,000 डेली पीपल आर किलिंग देमसेल्फ बाय सुसाइड। इंडिया में 4,000 ही तो मर रहे हैं कोरोना से, और उतने ही लोग आत्महत्या से मर रहे हैं सारे संसार में, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। That is another type of corona only. क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ऐसी tough situations को face करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो जब हम उसमें हमारी expectations fulfill नहीं होते, हम क्या कर किसी ना किसी को blame करते हैं। तो इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, try कर रहे हैं, हम try कर रहे हैं कि कोई किसी की मृत्यु ना हो, but उल्टा भी हो सकता है ना। So we should be mentally prepared for the adversities, जो मैंने example दिया है ना। तो realism over optimism and pessimism, life real versus projected, एक real life होता है, एक projected life होता है, जो cinema में दिखाया जाता है कई बार, projected life है ना, rosy picture of life, लेकिन साथ ही हमें भी जानना है कि life is not about all good things, है ना, there can be many problems in life, है ना। तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। सो देयर आर मेनी बिगर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, मेनी बिगर प्रॉब्लम अदर। आज कोरोना से लोग इतने हाहाकार मचा हुए, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोरोना से भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिसके लिए हर व्यक्ति अपने को अडेप्ट कर चुका है। यहाँ पर स्क्रीन पर दे सकते हैं ना, कोरोना से 7,000 लोग मर रहे हैं रोज, हैं अब थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, 10,000-12,000, लेकिन आप देखो डेली 48,742 लोग डेली मरते हैं पूरे संसार में, किससे, हार्ट डिजीज से। कोरोना से कितना गुना हो गया, 5 गुना ज्यादा लोग हार्ट डिजीज से मरते हैं डेली,
लगभग 26,000 लोग कैंसर से मरते हैं डेली, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये लोग क्यों मर रहे हैं? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एंजाइटी, डिप्रेशन, लाइफ की चैलेंजेस को फेस नहीं। हार्ट डिजीज क्यों होता है? हार्ट डिजीज ले होता है क्योंकि स्ट्रेस डिप्रेशन के कारण। तो इस तरह के सेमिनार्स जब हम सुनते हैं तो हम अपने को इस सिचुएशंस के लिए रियलिस्टिक रियलिटी ऑफ लाइफ को जानते हैं, उसके लिए अपने को तैयार कर लेंगे तो इन सब से हम बच सकते हैं। एंड इवन कोरोना भी है, कोरोना को भी हम हौसला के साथ फेस करेंगे, है ना, जब हम इस नॉलेज को प्राप्त करेंगे, इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो भगवद गीता में दिया हुआ है। तो हाउ टू टैकल ऑल दीज प्रॉब्लम्स, हाउ टू टैकल, तो रियल नॉलेज समझना है, रियल नॉलेज समझना है ना, कि जीवन का लक्ष्य क्या है ना, संबंधों को कैसे हम हैंडल करें, है ना, नौकरी हमारी है उसको कैसे देखें, जॉब की सिचुएशन, है ना, यस आई हैव ए जॉब बट जॉब कैन गो एट एनी मोमेंट, है ना, तो उसके लिए हमें हमेशा एक प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो इसलिए एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड कैपिटलाइज ऑन व्हाट कम्स, ये मंत्र याद कर लीजिए, एक्सपेक्ट द बेस्ट, prepare for the worst and capitalize on what comes. So how tackle all these problems? If we will have knowledge, then we can prepare mentally and physically. पहला knowledge होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि ऐसी situation आ सकती है, है ना, तो हम अपने को mentally physically तैयार करके रखें। आज देखिए health की problem क्यों है इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं देते। आधे घंटे भी डेली हम अपने को एक्सरसाइज, प्राणायाम, सनलाइट में बैठते ही नहीं हैं, है ना, ऑल दीज नेचुरल थिंग्स जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, हार्डली पीपल गिव टाइम, है ना, सो दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ। सो इफ यू नो दैट इतनी डेंजरस बीमारियाँ आ सकती हैं, सो वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली, है ना, वी मे गेट अफेक्टेड बट विल नॉट गेट डिस्टर्ब। तो जब हमारे पास नॉलेज होगा, हम मेंटली अपने को प्रिपेयर रख करके रखेंगे, तो हमारी लाइफ में अगर चैलेंजेज आएगी तो हो सकता है हम उसे अफेक्ट होंगे लेकिन डिस्टर्ब नहीं होंगे उससे, एंड दिस विल सेव अस फ्रॉम ब्रेकडाउन एंड इट विल हेल्प अस टू टर्न डिफिकल्टीज इनटू अपॉर्चुनिटी। मुश्किल सिचुएशन को भी हम मौका में, अवसर में तब्दील करके और उसका पूरा लाभ हम उठा पाएंगे। तो थर्ड पार्ट ये है कि कैसे लाभ उठाएंगे, तो हम अपने को प्रिपेयर करेंगे, बिल्ड स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, मेंटली यू बिकम स्ट्रांग, स्ट्रेंथ डेवलप कीजिए अपने अंदर, है ना, कि टफ सिचुएशंस को फेस करने की ताकत, है ना, एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वर्स्ट एंड लास्ट पार्ट क्या है, कैपिटलाइज ऑन व्हाट कम्स। इवन इफ चैलेंजेस कम्स, डिफिकल्टीज कम, या जो आपने सोचा उसे उल्टा हो गया, फिर भी उस सिचुएशन में भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो, है ना, अपने को तैयार करो, अपने को स्ट्रांग बनाओ, है ना, एंड लर्न टू फेस द चैलेंजेस, है ना, टफ सिचुएशंस विल कम मटेरियल वर्ल्ड में, दुख आए तो आश्चर्य मत करना, सुख आए तो आश्चर्य करना, अरे आज सुख कैसे आ गया, कोई हमसे ईर्ष्या करे तो आश्चर्य मत करना, कोई प्रेम करे तो आश्चर्य करो, अरे इस संसार में चारों तरफ ईर्ष्या ही ईर्ष्या भरी हुई है, हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, उस संसार में आज कोई प्रेम करने वाला कैसे मिल गया, केयर बी केयरफुल, धोखा हो सकता है, इट्स नॉट ईजी टू लव समबडी। सो जब हम इस बात को जानेंगे तो फिर हमसे कोई ईर्ष्या करेगा, धोखा करेगा, तो हमको इतना ज़्यादा कहते ना जोर का झटका धीरे से लगेगा, बिकॉज आपके अंदर क्या है, शॉक एब्जर्वर्स, शॉक एब्जर्वर्स, सो इसको समझना है। रोड इज नॉट स्मूथ ऑलवेज, हमेशा स्मूथ रोड नहीं मिलता जीवन का, तो कभी कभी टफ रोड आता है, खराब रोड आ जाए तो क्या करना है, क्या गाड़ी चलाना बंद कर देता है ड्राइवर, नहीं चलाते रहने, हाँ स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम कर दो थोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी को रोको मत, चलते रहने दीजिए, एक दिन वो टफ रोड खत्म हो जाएगा, फिर से एक्सप्रेस वे आ जाएगा। यही कृष्णा बता रहे भगवद गीता में, है ना, कि बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कैसे, हमेशा ऑल्टरनेटिव लाइफ में खुला रखिए, ऑल्टरनेटिव लाइफ खुला रखने का, जैसे एक व्यक्ति देखिए ट्रेन पे खड़े हैं गेट पर, तो वो सिचुएशन क्या, अगर एक केवल एक ही हैंडल पकड़े रहेगा और अगर वो हैंडल टूट गया तो गिर जाएगा, इसलिए दोनों हाथ से हैंडल पकड़ा है, एक टूट भी गया तो दूसरे को पकड़ के जी सकते हैं,
है ना। उसी तरह से हमेशा अपने लाइफ में ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए, स्टेपनी। जैसे गाड़ी के अंदर पीछे एक पहिया हमेशा रहता है, क्यों? इन इमरजेंसी केस अगर गाड़ी खराब हो जाए तो वो पहिया लगा के हम आगे बढ़ा सकते गाड़ी। उसी तरह से हम अपने लाइफ में भी एक स्टेपनी रखना चाहिए, कुछ ऑल्टरनेटिव हमेशा ओपन करके रखना चाहिए कि एक अगर खराब भी हुआ तो दूसरे इस रास्ते से हम निकल जाएंगे। तो इसको कहते बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, है ना। तो ये नहीं कि जब आग लगी तो कुआं खोदने चले, है कि नहीं? आग लगी तब सोच रहे हैं अब कुआं कैसे खोदें, है ना, तब तक घर जल जाएगा। सो ऑलवेज जो प्रोएक्टिव रहना चाहिए, पहले सोच के रखना चाहिए कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए हमें उसके लिए तैयारी करके रखना चाहिए। पीपल हैव ओवरकम टफ टाइम, देयर आर मेनी पीपल जिनके लाइफ में टफ टाइम आया और उन्होंने उस टफ टाइम को ओवरकम किया। एग्जाम्पल जो है महाभारत में आता है, पांच पांडवों का राजा के पुत्र थे लेकिन 12 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ा, है ना। महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल आता है कि राजा थे लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आई जब उनको कई वर्षों तक जंगल में रहना पड़ा, घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं आया, हार नहीं मानी, है ना। तो ऐसे लोग जो हैं हमारे लिए उदाहरण हैं, है ना। उनके उन लोगों के जीवन को अध्ययन करेंगे तो हम भी उनके गुण विकसित करके टफ सिचुएशन में भी स्ट्रांग बने रहेंगे, घबराएंगे नहीं, ब्रेकडाउन नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे और मुस्कुराएंगे। टफ सिचुएशन में भी हम मुस्कुरा सकते हैं। तो इसलिए इस लेसन जो हमने सीखा कि पैनिक नहीं होना है, अगर नॉलेज हमारा प्रॉपर रहेगा, लाइफ का सही नॉलेज रहेगा तो पैनिक में भी हम पीस हैं, पीस फील कर सकते हैं, है ना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे लाइफ में अगर नॉलेज होगा तो। नॉलेज नहीं होगा, इग्नोरेंस में रहेंगे तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पाल लेंगे और अगर पूरा नहीं होगा तो सुसाइडल ब्रेकडाउन हो जाते हैं। इसलिए हमेशा गीता पढ़ के और संयमी लोगों का संग करके इस तरह का नॉलेज हमेशा लेते रहना चाहिए ताकि लाइफ की रियलिटी को हमको हमेशा अपडेट रहना चाहिए लाइफ की रियलिटी से, है ना। और फिर दूसरा क्या है, उस रियलिटी के अनुसार जीना चाहिए। और रियलिटी ये है कि लाइफ में चैलेंज आती है, डिफिकल्टी आती है, लाइफ इज नॉट ऑलवेज स्मूथ एंड देयरफॉर वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके लिए अपने को तैयार करना चाहिए हमेशा और ऑलवेज स्टेपनी रखना चाहिए, ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए, मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रहना चाहिए लाइफ के लिए और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस एंड वी शुड लर्न टू फेस द चैलेंजेस। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रोजी। आपने प्रोजी बहुत बहुत हेल्पफुल, बहुत बहुत ही अच्छे से हमें समझाया प्रोजी की कितना इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में राइट एक्सपेक्टेशन रखना और नॉलेज का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोजी कि आपने अपने वर्ड्स ऑफ विस्डम हमारे साथ शेयर किए। प्रोजी हम हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं अभी, बिकॉज हमने अभी क्वेश्चन आंसर के लिए एक गूगल शीट शेयर कर रहे हैं अपने सारे व्यूअर्स से। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हैं आपके इस टॉपिक से रिलेटेड, बिकॉज हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो बाकी लोग भी इसका हम और डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम समझ सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको एक गूगल शीट शेयर किया गया है चैट बॉक्स में। आप उस गूगल शीट में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन को प्रोजी से पूछ सकते हैं। और जो लोग हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं वो अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, आप वहां पर अपने क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? वहां से सारे क्वेश्चंस को आपसे पूछ सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आपको चैट बॉक्स शेयर किया गया है क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो आप उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं उस गूगल शीट के थ्रू। तो जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो YouTube पे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी अगर उनके क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। संदीप, कैन यू टेल पीपल अबाउट द डिवाइस कोर्स वंस अगेन, बिकॉज़ स्टार्टिंग में YouTube में किसी तरह आवाज नहीं जा पाया था। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, कैन यू अनाउंस इट वंस अगेन टिल द टाइम पीपल आर राइटिंग क्वेश्चंस। ओके ओके। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था बट कई लोग उस समय आ नहीं पाए थे, तो ऐसा नहीं कि ये जो अभी हम सेशन कर रहे हैं सेशन के बाद जो है फिर आपके साथ हमारा मिलना नहीं हो पाएगा। हम फर्दर आगे मिल सकते हैं इस तरीके से। हम आपके लिए 6 डे सेशन का एक कोर्स लेके आए हैं। इस कोर्स का नाम है डिस्कवर योरसेल्फ। पर्पस ये है कि हम जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन को
थोड़ा इन डेप्थ समझे, साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास करें ताकि हम इसका यूज कर सकें। तो आपके स्क्रीन पे ये आपको दिख रहा होगा, भी डिस्कवरी और सेल्फ करके कोर्स है, उसमें कई सेशन हैं। जैसे पहला सेशन है फेथोलॉजी के बारे में, कि फेथ के ऊपर है, कि कई बार लोगों को लगता है कि फेथ जो है हम करते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ये साइंटिफिक नहीं है, ये एक तरीके से अनब्लाइंड ब्लाइंड होता है, फेथ नहीं किया जा सकता स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और दूसरा एक इसमें सेशन था कि ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया, कि हमारा जो ग्लोरियस वैदिक कल्चर है वो कैसा है। कई लोग, कई बार हमें लगता है कि वो बहुत बैकवर्ड कल्चर था और उसमें कुछ ऐसा नहीं था, बट क्या वास्तव में हमारा जो वैदिक कल्चर था वो बैकवर्ड था या पिछड़ा था या ग्लोरियस था। वो हिस्ट्री जो आज तक हमें नहीं बताया गया, उस हिस्ट्री को उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा वैदिक कल्चर कैसा ग्लोरी है, क्या उसका ग्लोरी है, कितना ग्लोरी है। उसी तरीके से आगे कई सेशंस है, जैसे कि कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, जैसे कि ए साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, तो क्या स्पिरिचुअलिटी को हम साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से हम समझ सकते हैं, इसके ऊपर ये सेशन होगा। उसी तरीके से स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर होगा ना, गोइंग बियॉन्ड मैटर। तो कई बार लोग पूछते हैं कि जो स्पिरिचुअल, हम भगवान तो दिखते नहीं, हम कैसे भगवान को विश्वास करें, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या भगवान के बारे में हम अब बात करते हैं, वो सब सारी चीज दिखते हैं, कैसे विश्वास करें। तो इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि बियॉन्ड मैटर की जो चीजें हैं उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसी तरीके से स्क्रिप्चर्स के ऊपर है, कई बार लोगों को लगता है कि स्क्रिप्चर्स मिथ होते हैं, वो एक कहानियां है, एक तरीके से कल्पना है। तो अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्क्रिप्चर्स जो हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स किस तरीके से मिथ हैं या वो पूरी तरीके से फैक्ट हैं, उसके अंदर डीप साइंस है। उसी तरीके से साइंस ऑफ सोल, सोल का जो कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से फैक्ट है या फैंटेसी है। इस तरीके से मतलब जो स्टार्टिंग से लेकर जो हमारे मन में डाउट्स आते हैं, फेथ से लेकर सोल के कॉन्सेप्ट तक, वो हर प्रकार के सेशंस को इसमें हमने इंक्लूड किया है। पर्पस है कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से इन कॉन्सेप्ट को समझें और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन के लिए रजिस्टर करिए, इसका लिंक जो है हमारे चैट बॉक्स में हम डाल चुके हैं और अभी भी हम आपको डाल रहे हैं, उसका आप रजिस्ट्रेशन करिए। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लेना चाहेंगे। लोगों के कई कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दिस सेशन इज वेरी पावरफुल, दिस इज वेरी इफेक्टिव सेशन। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, हाउ टू डील विथ लेजीनेस एंड अनमोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो एक क्वेश्चन आया प्रोजी हमारे पास, और ये क्वेश्चन है सुनैना जी का, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा हाउ टू डील विथ लेजीनेस एंड अनमोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अभी लॉकडाउन है सब कुछ, तो लेजी हो गए हैं और अनमोटिवेटेड हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो इस टाइम पे कैसे करना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ प्रोजी। So, it should become man on job. Generally people, you know, generally लोग जो हैं वो, they are, you know, people on job, but we should become man on mission. No? We should be on a mission, not on job. Yeah? Life को as a job नहीं लेना चाहिए, as a mission लेना चाहिए। जब आप mission लेंगे life को, तो कभी आप, you know, lazy नहीं होंगे। Make your life a mission. Mission. And तो जो लोग मिशन पे होते हैं वो, है ना, जैसे ना मिशन ऑल आउट है ना चलाया था, आर्मी मिशन चलाती है ना, दे गो ऑन मिशन, तो वहाँ पे कभी लेजीनेस नहीं होगा, है ना, अनमोटिवेटेड नहीं रहेंगे आप वहाँ, जस्ट लाइक दैट, लाइक हम वी आर ऑलवेज ऑन मिशन, है ना, क्या मिशन है, तो लाइफ को एक गोल दो, मिशन दो लाइफ को, कि मेरे लाइफ का एक मिशन, एक विजन है जो मेरे को अचीव करना है। जिस व्यक्ति का कोई मिशन नहीं होता लाइफ में, तो वो व्यक्ति क्या होता है, डायरेक्शनलेस लाइफ, एमलेस लाइफ, है ना, तो इसलिए वो व्यक्ति लेजी हो जाता है ना। और जिस व्यक्ति के लाइफ का एक मिशन है, तो वो अपने एक एक सेकेंड को बर्बाद नहीं करता, ही नोज दैट ईच एंड एवरी सेकेंड, है ना, जो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आई शुड नॉट लूज। तो आपका लाइफ मिशन है या जस्ट लाइफ जो है वो एक जॉब है, एक ड्यूटी,
जैसे लोग ऑफिस जाते हैं ड्यूटी करने, है कि नहीं, लेकिन मिशन नहीं है। भगत सिंह जो थे वो एक मिशन पे थे, है ना, तो उनके लिए कोई टाइम नहीं था, रात के 1 बजे भी ड्यूटी आ सकता है उनके लिए, है कि नहीं। एंड ही ऑलवेज ना, रात के 1 बजे भी पुलिस आ जाती थी पीछे से अंग्रेजों की और भागना पड़ता था ना, ऑन ए मिशन, है कि नहीं। अगर जॉब पे आप जाएंगे, एक दिन भी अगर खाना नहीं मिला घर पे आके, तो पत्नी को डांट लगा देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, है कि नहीं। जॉब जॉब में ये होता है कि काम करके आया, इतना थका हुआ हूँ, खाना भी नहीं मिला मेरे को, है कि नहीं। लेकिन भगत सिंह देखिए मिशन पे थे, 1 महीने तक बिना खाए जेल में रहे, है कि नहीं। एंड किसी को कंप्लेन नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया। तो जो व्यक्ति मिशन पे हो, जब आप रहेंगे ना, तो आपका हर लाइफ लाइफ जो एक डिफरेंट व्यू रहेगा। इसलिए मेक योर लाइफ ए मिशन, गिव विजन टू व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी यू शुड नॉट वर्क। हम एक बड़ा विजन, जितना मिशन बड़ा रहेगा आपके लाइफ का, उतना ज़्यादा आप लाइफ में मोटिवेटेड फील करोगे, एंथुसियास्टिक फील करोगे। आप देखो समाज में लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, मिशनरी लोग जो होते हैं, तो वो कभी डिमोटिवेटेड नहीं होते। अब इस कोरोना पीरियड में भी आप देखिए हमारे इस्कॉन में, अब हमको बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के घरों पर प्रसाद खाना भेजवा रहे हैं, है ना, कुकिंग करके। सारे भक्त लग गए हैं कुकिंग करने में, है ना, व्यवस्था करने में, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो भूखे हैं, जो रोगी हैं, उन तक खाना पहुंचाया जा सके, है कि नहीं। हम हताश हो सकते, अरे यार कोरोना आ गया, क्या करें, है ना, अब तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकते, अब कोई सारे काम भी बंद हो गए ना, मंदिर में भी कोई नहीं आ रहा है, दरवाज़ा बंद है मंदिर में, है ना। लेकिन नहीं, हर सिचुएशन में अगर हमारा भाव क्या, हमको सेवा करना है ना, सेवा करना है, कंट्रीब्यूट करना है समाज के लिए, तो हमेशा हम सोचते रहेंगे कि क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति में, हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट, हाउ, ना, लाइक दैट। तो इस तरह से हम अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं, है ना, यू अंडरस्टैंड। इसलिए जीना किसके लिए, अपने लिए नहीं जीना, हमेशा याद रखो। अपने लिए जियोगे तो लेजी हो जाओगे, हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखो, समझे बात को। कहते जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, है कि नहीं, दूसरों के लिए जीना सीखे, है ना, तो आपका लाइफ हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। आप सोचोगे नहीं कि 1 सेकंड भी मेरे को बर्बाद नहीं कर, हर परिस्थिति में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा करने के लिए। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई भी अपने लिए मत कीजिए, दूसरों के लिए कीजिए। आप IAS की तैयारी कर रहे हो, एक व्यक्ति IAS की तैयारी करता है पैसा कमाने के लिए, बड़ा पोस्ट हासिल करने के लिए, एक व्यक्ति IAS की तैयारी करता है ताकि IAS बनकर उस देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, है कि नहीं। दोनों में बहुत अंतर है, एक मिशन हो गया, एक ड्यूटी हो गया, समझे अंतर, डिफरेंस। एक व्यक्ति स्टडी करता है ताकि खूब पैसा, बढ़िया जॉब हासिल कर पैसा कमा के खूब इंजॉय करूँगा, एक व्यक्ति पढ़ाई करता है ताकि एक अच्छा वैज्ञानिक बन के देश के लिए मैं सेवा करूँगा, समाज की सेवा करूँगा, है ना, कोरोना की मेडिसिन बनाऊंगा, कोरोना पीड़ित लोगों को हेल्प करूंगा। उसका पढ़ाई पैसा गोल नहीं है, उसका उसका गोल क्या है, सेवा। जब लाइफ को हम सेवा गोल बना के करते हैं तो हमारी एनर्जी डबल ट्रिपल क्या है ना, मल्टी टाइम्स, है ना, एनर्जी आ जाता है हमारे अंदर। ओके, थैंक यू प्रोजी। प्रोजी एक क्वेश्चन हमारे पास और आया है, सुशांत ने एक सवाल पूछा है प्रोजी। इनका सवाल है, सर यू सेड मी वी शुड बी रियलिस्टिक बट पीपल लाइक इलॉन मस्क एंड स्टीव जॉब्स डिड इम्पॉसिबल थिंग्स व्हिच सीम टू बी अनरियलिस्टिक, सो शुड वी नॉट थिंक ऑफ सच आइडियाज व्हिच आर अनरियलिस्टिक। फिर इनका आगे दूसरा सवाल भी प्रोजी, सर इफ समवन लव if someone who is whom I am loving, if he dies suddenly untimely, so should we not get shocked
even we have thorough knowledge. How you'll be affected by that, but you should not become disturbed by that. Don't become breakdown. Because ऐसा कुछ नहीं हुआ जो नहीं होना था. जीवन में कुछ ऐसा हो जो कभी होना ही नहीं था, ऐसे हो गया तो चलो शौक हो जाए. लेकिन डेथ तो एक ऐसी चीज है ना जो कि निश्चित है, कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है. यस और नो बताइए. सो व्हाई टू बी गेट शॉक? शॉक उसके लिए होना चाहिए जो कि नहीं होना था, हो गया. अफेक्टेड हो सकते हैं, यस आई लव्ड द पर्सन, क्या कर सकते हैं, अब चला गया, दैट्स ओके. इट्स एवरीबॉडी हैज ना, उस व्यक्ति की कमी लाइफ में हमेशा फील होती है. लेकिन उससे हम ब्रेक डाउन नहीं करें, क्योंकि हमको पहले से ही पता था. हमें पहले से ही सोचना चाहिए कि हमारे साथ जो लोग हैं वो कभी भी हमको छोड़ के जा सकते हैं. रियलिटी यही है लाइफ का, है ना. इसलिए हमें प्रेम करना है, यू शुड गेट अटैच टू, बट एट द सेम टाइम विद दिस रियलिटी, विद दिस रियलिटी की दिस इज ए पॉसिबिलिटी ऑलवेज इज देयर एंड दैट इज नॉट इन आवर हैंड. सो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. दैट्स व्हाट आई सेड रिगार्डिंग इवन मस्क की बात आप जो बोले, यस आई एग्री विथ यू. बट ये भी सही रियलिटी है लाइफ का कि हर व्यक्ति इवन मस्क नहीं है. ये भी एक रियलिटी है लाइफ का, है ना. इवन मस्क एक ही है और हर व्यक्ति इवन मस्क नहीं बन सकता है. ये भी एक रियलिटी है कि 130 अरब लोग में केवल 1% भी लोग इवन मस्क. Hope the best. What did I say that? You know, hope the best. Three things maine bataya. Hope the best. Hope that you become Elon Musk. But prepare for the worst. क्या बोला मैं? कि in case अगर आप नहीं बन पाए तो there should be at least चलो at least संदीप प्रभु बन जाइए. है कि नहीं? या हमारे क्या दीप प्रभु बन जाइए, है ना. कुछ तो बनिए, यानी कि आसमान पे गिरे सीधे जमीन पे पटके, कहीं खजूर पे अटक जाइए कम से कम कहीं. है कि नहीं? यानी कि सीधे जमीन पे गिर गए और फिर टूट टाट के खत्म हो गए. है कि नहीं? तो ये मैं बता रहा था कि फ्लाई इन द स्काई आई हैव नो प्रॉब्लम, जितना उड़ सकते हो. इनकेस गिर गए तो उसके लिए भी तैयारी करके रखो, स्टेपनी रखो. दैट्स व्हाट आई सेड, है ना. एम फॉर बेस्ट, बट इनकेस यू डोंट गेट, बिकॉज दैट इज द रियलिटी दैट एवरीबडी कैनॉट बिकम इलन मस्क. सो इफ यू कुड नॉट बिकम देन व्हाट? है तो सुंदर गोपाल प्रभु हैं एक, है ना. कुछ लेक्चर उक्चर दे के भी बड़े खुश रहते हैं, हालांकि वो इलन मस्क नहीं है. तो हमारे जैसा भी बन सकते हो आप चाहो तो, है ना. कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम दूसरे के जीवन में कुछ खुशियां लेके आ सकते हैं, है ना. ये सर ना, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास. इसके लिए कोई बहुत टफ कंपटीशन नहीं है. नहीं, गीता पढ़नी है, अभी जो आने वाला कोर्स है उसको करना है, है ना. और आनंद से दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, है ना, आनंद में रहो. तो ये भी लास्ट ऑप्शन. पहले तो आप प्रयास करो इवन मस्क बनने का. इनकेस न बन पाए तो सुसाइड मत कीजिए, है ना. एटलीस्ट डोंट ब्रेक डाउन. हैं, आप हमारे जैसा ही बन सकते हैं और आराम से, है ना. मतलब डोंट लूज होप, ये हमने डिस्कस किया. आप अगर इवन मस्क बन जाएंगे ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, है ना. मैं चाहता हूँ यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब इवन मस्क बनिए, है ना. तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होगी. लेकिन इवन मस्क बनने के चक्कर में अगर सुसाइड कर गए तो बहुत दुख भी होगा, है ना. तो अगर मेरा ये कहना है कि जैसे माता पिता होते बच्चे को बोलते मैं चाहता हूँ तुम आईएएस बन जाओ, है ना. लेकिन बच्चा अगर नहीं बन पाए तो उसको बोलने कोई बात नहीं बेटा, नहीं बन पाए कोई बात नहीं, इट्स ओके, दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ. यानी कि उसको अगर आईएएस नहीं बन पाए तो मर जाओ, तुमको जीने का हक नहीं है, चलो भर पानी में डूबे मर जाओ,
दैट ऑल्सो शुड नॉट बी देयर, है ना? ठीक है, इट्स ओके. रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट हर व्यक्ति 10 लाख लोग बैठते हैं एग्जाम, 1,000 सेलेक्ट होते हैं, 9,99,000 तो नहीं होंगे ना, दैट इज रियलिटी. इस तरह से 1,000 रियलिटी है, उस तरह से 9,99,000 भी रियलिटी है ना. सो लेट अस ट्राई फॉर अदर थिंग्स, व्हाई टू ओनली फोकस ऑन दैट इवन मस्ट, है ना. सो लाइक दैट, दैट्स व्हाट आई मीन सर. इज इट क्लियर? यस पूजी, थैंक यू पूजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. So there's one question from YouTube. May I ask one question? Yeah. So Proji, a question hai YouTube live chat mein. The question is ke this person is doing MBBS. Wo doctor ke ek padhai kar rahe hain and final year mein hai aur abhi wo corona ward mein wahan pe help kar rahe hain. To this is Bhavani. Inka naam Bhavani hai aur she's facing a lot of frustration abhi right now. Aur wo soch rahe hain in cheezon ko kaise balance kare, ye philosophy और ये जो अभी सीखा उन्होंने और जो सिचुएशन है वहाँ, इनको कैसे बैलेंस करें? यू आर ए डॉक्टर, अगर आप डिस्टर्ब हो जाओगी तो पेशेंट का क्या हाल होगा? इट शुड बी वेरी स्ट्रांग, है ना. ए सोल्जर जब फाइट करने जाता है ना, तो उसे अगर उनके साथी मारे जाते हैं युद्ध में, अगर उनको देख के तलवार छोड़ के रोने लगे है? तो क्या होगा कि नहीं? तो इसलिए बता रहा हूँ कि डिस्टर्ब नहीं होना है कुछ भी, इट्स नेचुरल, है ना. अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ. इसलिए तब से मैं ये बता रहा हूँ कि रियलिटी यही, क्योंकि हमको कभी किसी ने बताया नहीं. वहाँ पे आप हमको भेज दो, आई विल बी अफेक्टेड बाय दैट बट आई नॉट बिकम डिस्टर्ब. देयर डिफरेंस बिटवीन बिकमिंग अफेक्टेड एंड बिकमिंग डिस्टर्ब. अफेक्टेड का मतलब क्या है? अफेक्शन आया हृदय में उसके, अरे है ना, ये व्यक्ति तड़प रहा है, दुख है, ये बात सही है. लेकिन डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है, है ना, स्ट्रेस में हो के हम ही जो है वो उससे ज़्यादा दुखी हो गए, है ना, और पैनिक में चले गए और जो भी हम सेवा करना चाहते थे वो भी नहीं कर पाए. तो हमें देखना है कि सिचुएशन ठीक है, बहुत ख़राब सिचुएशन है, लेकिन इसमें बेस्ट पॉसिबल क्या किया जा सकता है, व्हाट बेस्ट पॉसिबल आई कैन डू, एंड इट्स ओके, दिस इज लाइफ, हाउ लाइफ गोज अबाउट. ऐसे भेजे जाते हैं, टफ सिचुएशन है लाइफ का, उसमें अपनी ड्यूटी करते रहना है, दैट्स ऑल. आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस, सेंटिमेंट, इट्स नॉट इजी, इजी सेइंग देन डन, करते हैं ना एक कहावत है, बोलना आसान है लेकिन उस परिस्थिति में करना मुश्किल होता है. तो आप वहाँ पे चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट ईजी, बट एक बात बताऊँ आपको, उससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं संसार में. अभी कोरोना से ना, कोरोना से पूरे संसार में रोज 5,000 लोग मर रहे हैं, 10,000 लोग मर रहे हैं, या 12,000 मान के चलिए. लेकिन आपको एक बात बताऊं, हर रोज संसार में 1.5 लाख लोग मरते हैं, आप जानते हैं, बिना जब कोरोना नहीं था तब भी डेली 1.5 लाख लोगों को मरना ही है. बस वही है कि हमारे सामने नहीं होता है. इसकी भी बात छोड़ दीजिए, साल में, एक साल में 77 बिलियन, कितना, 77 बिलियन एनिमल्स को मर्डर किया जाता, किल किया जाता है स्लॉटर हाउस में. कितना, 77 बिलियन एनिमल्स. उसके लिए भी हमको सोचना चाहिए, है ना. तो इतना कुछ सोचेंगे, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग. तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना, कि ये संसार में इतने मास स्केल पे किलिंग हो रहा है, डेली डेली कितने लोग मर रहे हैं. 1,25,000 चिल्ड्रन आर किल्ड इन द वूम्ब ऑफ द मदर, एबॉर्शन जिसको बोलते हैं, डेली 1,25,000 एबॉर्शंस होते हैं डेली. किस किस के लिए रोइएगा बताइए. तो इसलिए इस संसार को कहा गया है दुखालय. भगवद गीता में भगवान ने बताया, कहा है इस संसार दुखालय है, मृत्यु जगत कहा गया इसमें. इसलिए भगवद गीता को पढ़िए आप लोग, जो आपको कोर्स ऑफर दिया जा रहा है उस कोर्स को जब आप लोग करेंगे, जब गीता समझेंगे,
तो समझ पाएंगे कि ये संसार जो है वो उसका नेचर ही यही है, नॉलेज जिसको बोलते हैं। एवरी वन, आप बात कर रहे हैं एक दो व्यक्ति की, सेवन, अभी अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है, ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन, 7.5 बिलियन पीपल आर गोइंग टू डाई इन अनदर 100 ईयर्स, इजंट इट? सो क्या कीजिएगा? सो दैट शुड कृष्णा सेज दैट देर इज अनदर वर्ल्ड, गीता में सूचना दे रहे हैं, एक दूसरा संसार है जगत, वहां जाइए, है ना? गीता में सूचना देगी, सूचना दिया भगवान ने कि एक दूसरा संसार है, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना? वहाँ पे कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहाँ पे दुख नहीं है, वहाँ पे इस तरह के कष्ट नहीं है, वहाँ पे जाइए, सच्चिदानंद जीवन है वहाँ पे, दैट इंफॉर्मेशन इज देयर इन गीता, एंड वहाँ पे आप भी जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाइए वहाँ। वहाँ जाने का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू प्यूरिफाई योर एग्जिस्टेंस, है? जो भी व्यक्ति अपने अस्तित्व को शुद्ध करता है, अपने एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करता है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सरी से, वो व्यक्ति भगवान के धाम जाता है, ना? जब वहाँ पे चले जाएंगे तो इस तरह के चैलेंजेस नहीं रहते हैं। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, इन तरह की सिचुएशंस को हमको देखना ही पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, है ना? थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल आंसर भाऊजी। विल बी आस्किंग अ लास्ट क्वेश्चन, अब ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज के वेबिनार का। एक क्वेश्चन आया था यूट्यूब पे कि हम डे ड्रीमिंग और जो एक्सपेक्टेशंस है, एक होता है हम डे ड्रीम करते हैं हमारे हम क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, और एक होता है हमारी एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ अभी भी कुछ क्लैरिटी चाह रहे थे लोग। डे ड्रीमिंग एंड एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन ऑल्सो डे ड्रीमिंग का मतलब कि एक्सपेक्टेशन, एक व्यक्ति तो एक्सपेक्टेशन रखता है और उसके लिए हार्ड वर्क भी करता है, है ना, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए, ही पेज द प्राइस ऑल्सो। एक व्यक्ति तो केवल एक्सपेक्टेशन करता है, कोई हार्ड वर्क नहीं करता है, है ना, तो उसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति था, है ना, कुम्हार जो मटके बनाता था, है ना, मटके, उसने 20 मटके बनाए और दुकान पे लेके बैठ गया, और दुकान पे लेके बैठ के सोचने लगा कि ऐसे सोच रहा है ख्यालों में कि 20 मटके आज बिक जाएंगे तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, उसे अगले दिन में 50 मटके बनाऊँगा, फिर उसके बाद 200 मटके बनाऊँगा, फिर उससे और प्रॉफिट होगा, फिर उसे 1,00,000 मटके बनाऊँगा, उससे और प्रॉफिट होगा, फिर फैक्ट्री खोल दूँगा, उसके बाद फिर और प्रॉफिट होगा, फिर बहुत, है ना, सुंदर लड़की से विवाह करूंगा, फिर वो लड़की अगर मेरी बात नहीं मानी उसको उसको 1,00,000 मारूंगा, ऐसे करके लात चलाया और सामने जिसने 20 मटके थे वो टूट गए सारे, है ना? इसको कहते डेड ड्रीमिंग, है ना, कि जो सामने था वो भी तोड़ दिया उसने डेड ड्रीमिंग करने के चक्कर में, है ना? तो उसी तरह से समाज में लोग जो हैं वो डे ड्रीमिंग ही केवल करते थे। अरे कुछ मेहनत करो, हैं, यू वर्क हार्ड, पे द प्राइस टू अचीव दोज एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आप ओएन मस्क बनने का प्रयास करो, लेकिन उसके लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। आप ओएन मस्क का लाइफ देखेंगे तो तब समझ में आएगा कि हाउ मच हार्ड वर्क ही हैज डन। सक्सेस डजंट कम सो इजीली, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे ओएन मस्क बनने का, अगर नहीं भी बन पाए तो एटलीस्ट उसके नीचे वाला तो कुछ बन ही जाओगे, लेकिन वो भी तब बनेंगे जब कुछ प्रयास करेंगे, है ना? तो हमें केवल सोचना नहीं चाहिए, ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए, है ना? ये ख्याली पुलाव पकाने में तो बहुत बढ़िया लगेगा लेकिन खा नहीं पाएंगे आप, उसे पेट नहीं भरेगा, सबसे बड़ी समस्या ये है ना। जैसे कोई बोले हमने ख्यालों में पुलाव पका दिया, अब खा लीजिए आप लोग, पेट भरेगा उससे नहीं। तो उसी तरह से ख्यालों में जो पुलाव पुलाव पका तो वो ठीक है, वो आपने प्लान एक बना लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम एनर्जी, है ना, लॉट ऑफ तपस्या, उसको बोलते तपस्या, संयम चाहिए, है ना, सेल्फ कंट्रोल चाहिए, है कि नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, है ना, लाइफ में। और डिसिप्लिन के लिए कोई तैयार नहीं होता,
To get success, you need to get discipline. And discipline is the toughest thing. कोई discipline में नहीं रहना चाहता है कि तो discipline आ जाए तो guarantee है success आएगा. कैसे? If you being disciplined, the discipline से focus कर पाएंगे, focus से success मिलेगा. जैसे आप कोई concave lens ले लो, है ना, और अगर ऐसे sunlight में paper रख दीजिए नहीं जलेगा, लेकिन concave lens लेके उसको focal point पे आप paper रख दो जल जाएगा. है कि क्यों? क्योंकि फोकल पॉइंट पे सारी एनर्जी फोकस होती है. तो यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ फोकसिंग ऑल एनर्जी ऑन वन पॉइंट. और स्पिरिचुअलिटी में जब हम आएंगे तो फोकस हमारे लिए आसान हो जाता है करना उस पॉइंट पे. सो लाइक दैट, सो दैट इज डेड ड्रीमिंग एंड दैट इज एक्सपेक्टेशन. ओके, क्लियर? यस सर, थैंक यू वेरी मच प्रोजी फॉर दिस वंडरफुल आंसर. थैंक यू. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रोजी. आप लोग सारे कोर्सेज के लिए रजिस्टर कराइए फ्यूचर में और शिक्षार्थकम से जुड़िए. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रोजी. आप हमारे बीच में प्रोजी, आपने इतना समय दिया अपना और अपने वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर किए और इतना प्रैक्टिकल रिलेशन था प्रोजी. और जो भी क्वेश्चन बाकी सबके थे आपने अपने आंसर्स में सारे क्वेश्चन लगभग सबके कवर हो गए. तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोजी कि आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल अपना समय निकाला और हमें लाइटन किया और हमें बताया कि कैसे हम जो है एक्सपेक्टेशन को नॉलेज के थ्रू मैनेज करके एक रियलिस्टिक अप्रोच रखकर हम जो है फियर को ओवरकम कर सकते हैं. तो ऐसा कल्चर है सनातन संस्कृति में और वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का नाम बहुत ऑस्पिशियस है और उसमें सारी चीज़ें हैं. तो हम प्रोजी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे एक बार भगवान का नाम बोल के, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के. और भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हैं इस समय जो कोविड से और इस प्रकार की समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं, भगवान सबको स्ट्रेंथ दे और ये जल्दी से महामारी दूर हो. तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और हम प्रभु जी से चाहेंगे कि प्रभु जी हमारे जो भी शिक्षार्थक व्यूअर्स हैं जो दूर दराज से कनेक्ट हैं, अलग अलग स्टेट से कनेक्ट हैं, आप उनको अगर कुछ फाइनल मैसेज देना चाहेंगे, कुछ फाइनल इंस्ट्रक्शन बताना चाहेंगे उनको, प्लीज आप कुछ बताइए मुझे कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे फाइनल टीचिंग अगर आपको देना चाहिए. फाइनल मैसेज यही है कि अभी जो शिक्षार्थकम के साथ आप लोग जुड़ो, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन डजंट हैपन इन ओवरनाइट, है ना, और इन टू आवर्स सेशन. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिकल अप्लीकेशन, है ना, प्रैक्टिकल अप्लीकेशन. जो हम सुनते हैं, परीक्षा की घड़ी आती है जब हम उसको अप्लाई करने जाते हैं ना, जैसे सुबह सुन लेंगे कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन जब सुबह अलार्म बजेगा उस अलार्म को बजते ही उठना बहुत मुश्किल काम होता है कि नहीं. दैट इज द टाइम वेयर यू हैव टू हियर द लेक्चर, है ना. अभी तो सुन लिया, अच्छा अच्छा लगा, लेकिन उस समय याद रहेगा कि नहीं रहेगा, दैट इज डिफिकल्ट, है ना. क्लासरूम में तो टीचर पढ़ाता है तो याद रहता है, लेकिन परीक्षा में याद आ जाए तब मेन चीज़ है. परीक्षा में अगर भूल गए तो क्या फायदा. तो देर इज लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड. क्लास में सुनने के बाद बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, है ना. और भी डाउट्स आएंगे क्लियर कर. इसलिए जो हमारे जो एजुकेटर्स हैं हमारे शिक्षार्थकम के हैं, तो दे आर प्रपोजिंग ऑल ऑफ यू ए कोर्स. कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसमें जुड़िए और एक ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे एंड यू लर्न मेनी मेनी थिंग्स. गेट कनेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, है ना, रेगुलर करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल्वे पड़त निशान. ये करत करत अभ्यास, एक दिन से नहीं होता, अभ्यास रेगुलर अभ्यास करने से वन डे विल बिकम परफेक्ट. सो टू गेट रेगुलर मोटिवेशन टू रेगुलर प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे जब हम रेगुलर मोटिवेशन मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए. और मोटिवेशन मिलता है शिक्षार्थकम से, एजुकेशन से इंस्पिरेशन आता है. तो गेट कनेक्टेड, register yourself. Thank you so much. That is my last message. Thank you so much, Praji, for your wonderful message. And we hope कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं Zoom पे हैं चाहे YouTube पे हमें सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को जरूर implement करेंगे अपने life में. तो आप लोग को जो है फिर से कोर्स का लिंक शेयर किया गया है Zoom के चैट बॉक्स में और YouTube के भी कमेंट सेक्शन में. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस सेशन के लिए आप रजिस्टर करिए और हम जो है नेक्स्ट वीकेंड से हम इसको शुरू करेंगे. हम इसको तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप रजिस्टर करिए और
जो आने वाले सेशन में के थ्रू कनेक्ट होकर हम जो नॉलेज मिल रहा है उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके फायदा हो। तो आप सभी लोग का, जो भी हमारे व्यूवर्स, उनका विशेष धन्यवाद कि आप लोग जो है अपना समय निकाल कर आप लोग यहाँ पर प्रीशियस टाइम आप लोगों ने दिया, इस वेबिनार में आप लोग आए। तो आप सभी लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो जो कोविड की जो बीमारी है, महामारी है, जल्दी दूर हो और हम सभी लोग अपने लाइफ में ग्रो करें। तो इन्हीं प्रेयर्स के साथ, इन्हीं बेस्ट विशेष के साथ हम आज का ये जो वेबिनार है उसको यहाँ पर जो है समाप्त करते हैं ऑफिशियली। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है आप वन बाय वन जो है इसको रजिस्टर करते रहिए जूम में और यूट्यूब सेशन में। लिंक में जो है इस कोर्स का लिंक दिया होगा। तो दिस इज द अल्टीमेट मैसेज कि यहाँ पर ख़त्म ना करें, जैसा प्रोजी ने बताया कि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नॉट ए 2 आवर सेशन। तो इसीलिए आप लोग कोर्स के लिए जरूर रजिस्टर करिए और सिस्टमेटिक तरीके से ये लर्निंग जो मिल रहा है इसका फायदा उठाए।